तो आज सुबह फिर से आकर खुशी हुई। मैं बस यही सोच रहा था कि किस तरह से यह बर्फ अब, और यदि हम कोलोराडो में होते तो यह बर्फ बहुत ही नरम और फूली हुई होती और तापमान शून्य से लगभग 40 नीचे होता, और आप इस तरह से इसे उड़ा सकते हो और इसे नीचे धूल में वापस गिरा सकते हो और यह सारी सर्दियों में ऐसा ही रहता है। लेकिन अब जबकि यहाँ पर इस दोनों क्षेत्रों के बीच एक तरह का फर्क है, अब ये बहुत ही गीला और सुस्त और खराब मौसम है, और ये ऐसा लगता है कि मैं बस काश उड़कर एरिजोना की ओर जा सकता और वसंत ऋतु आने तक प्रतीक्षा करता और फिर वापस आ जाता। इसी तरह से हम सभी को सर्दी हो जाती है, अभी जीवाणु और इत्यादि बस जमीन पर पड़े रहते हैं और यह जम जाएंगे और फिर पिघल जाएंगे और फिर जम जाएंगे और फिर पिघल जाएंगे और यह ऊपर आता है और हम उसमें सांस लेते हैं और इसे गले में खराश होती है, सिर दर्द और पीड़ा और बीमार होते हैं, और मेरे प्रभु क्या समय है, क्या जगह है। That they call that sweet forever. And we only reach that shore by faith degree. One by one we gain that portal there to dwell with the immortal. Amen. Someday they'll ring those golden bells for you and me. यही वो स्थान है जहाँ हम रहने के लिए घर पर जाएंगे, क्या ऐसा नहीं है? यही वो दिन है जिसके लिए हम देख रहे हैं। अब पिछली रात को मैंने निश्चय ही उन अद्भुत उपदेशों और बातों का आनंद लिया जो मैंने अपने भाइयों से सुनी। पैट टायलर कहाँ है? क्या वो आज की सुबह उपस्थित है? पैट, ओह, मैंने आपको ठीक वहाँ पर बैठे हुए नहीं देखा। जीवन जितना बड़ा और स्वाभाविक से दुगना, और मैंने आपको वहाँ बैठे हुए नहीं देखा। पहली बार मैंने पैट को बोलते हुए सुना। मैंने निश्चित रूप से इसका आनंद लिया। मुझे यकीन है कि हम सभी ने लिया है। और उसके बाद वो छोटा सा भाई जिसने यहाँ एक उपदेश की उस गोली से भरी गवाही को दिया जो वास्तव में मशीन गन से गोली की चलाने की तरह लग रहा था। कोई तो भाई मैं उनसे मिला था जो ओहियो से है, क्या वो आज सुबह यहाँ पर है? यहाँ कहीं पर वो है। भाई नेविन ने टिप्पणी की कि वो बहुत ही तेजी से गोलियाँ चला रहा था। उसके बाद भाई जेटी पार्नेल, और मैं सोचता हूँ कि वे भाई बिलर से कभी नहीं मिले। और क्या वो भाई पार्नेल यहाँ है? भाई पार्नेल, भाई बिलर यहाँ है? मुझे पक्का नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने भाई बिलर को देखा है। यह रोशनी, यह एक, जब वे नए भवन का निर्माण करेंगे, मैं आशा करता हूँ कि वे उन चीजों को अलग तरह से करेंगे, कुछ अलग। यह हमारा पहला प्रयोग है और इसलिए हम कभी भी एक नया भवन पाएंगे, इसलिए हम इससे थोड़ा अलग चाहते हैं। आप नहीं देख सकते, मैं एक ऐसा भवन होने के लिए पसंद करता हूँ जो इस तरह से नीचे की ओर तिरछा बनाया जाए दर्शकों की ओर। आप हर समय सीधे अपने श्रोतागणों की ओर देख रहे होते हैं, और फिर विशेष रूप से उन हृदय को परखने वाली सभाओं में आप बस सीधे हर कहीं पर जा सकते हैं। देखो, उन्हें ठीक इस तरह से चारों ओर उठाते हैं, ठीक आगे पीछे, और फिर यहाँ तक यदि बाहर आने के लिए आपके पास एक छोटी सी बालकनी भी होती है तो ये बेटर होगा। भाई लिटिलफील्ड, क्या बिली यहाँ पर है? उसने मुझे कल रात को फोन किया और वो उस भवन का विवरण भेज रहा है जिसे मैंने वहाँ समर्पित किया था, जिसे शिल्पकार ने, भाई वुड, मैं सोचता हूँ कि इसे बनाने के लिए केवल शिल्पकार को इसका नक्शा बनाने के लिए ही $500 खर्च हुए, और वो लगने वाली लागत के साथ और सारी सामग्री की हर एक चीज भेज रहा है, और हर एक 2x4 माप और अमुक गुना अमुक जो उसमें लगना है, और वो इसे हमारे पास भेज रहा है, और वो आना चाहता है, और कहा कि वो लकड़ी काटने वाले लोगों और इत्यादि के पास जाएगा और देखेगा कि यदि वो उन्हें एक नमूना बनाने के लिए नहीं कटवा सकता है जैसे उन्होंने उसके लिए किया था। बहुत सुंदर भवन, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन यह एक सुंदर संरचना है। इसलिए मैंने उससे कहा, मैंने कहा जैसे ही आप बिल्ली को भेजेंगे मैं इसे खजांचियों और डिकनों को दे दूंगा, और उसके बाद हम उन्हें ये देखने देंगे कि उन्हें अपना भवन का निर्माण आरंभ करने के लिए कितना खर्च लगेगा। उसने कहा, जब आप ऐसा करते हैं तो मैं आ रहा हूँ, एक जोड़ी कपड़ा पहन लूंगा और उस दौरान बस आपके साथ रहूंगा। भाई लिटिलफील्ड क्या ही अनुग्रह से भरे व्यक्ति हैं, दयालु व्यक्ति हैं।
बहुत ही भले हैं। अब क्या आप सब इसके लिए सही महसूस कर रहे हैं? अब नया वर्ष आरंभ करने के लिए आमीन। ठीक नए वर्ष में प्रवेश करें, हम इसे सही से आरंभ करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करते हुए। कितने लोगों ने आज सुबह उठकर और उसे पुराने वर्ष के लिए धन्यवाद दिया और इसका क्या अभिप्राय था और उससे मांगा हो पिछला भूल जाना। सो जब हम उठे तो हमने बिस्तर पर ऐसा किया और फिर मेज पर आए और जहां आमतौर पर एक छोटी सी पारिवारिक वेदी होती है, वे मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं। और इसलिए हम हमेशा ही सोने से पहले रात को प्रार्थना करने की आदत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा करता हूं जब से मेरा पहले मत परिवर्तन हुआ है। सुबह को उठता हूं और यह बहुत अंधेरा होता है और मेरे चलने के लिए बहुत ही धुंध होती है। मैं नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन यदि मैं उससे बस कहता हूं कि मेरे हाथ को पकड़े और सारे दिन भर मेरा मार्गदर्शन करे, फिर मुझे याद आता है यहाँ सड़क के उस पार जब मैं बस एक नौजवान पुरुष ही था, बिली पॉल लगभग 3 या 4 वर्ष का था और तब हम सड़क के उस पार रहते थे और एक रात वो पानी पीना चाहता था और यह रसोई घर में पानी बाल्टी में बहुत नीचे था और मैंने कहा ओह मैं बहुत थक गया था, मैंने पूरे दिन बहुत मेहनत की थी और मध्य रात तक प्रचार किया था और उसने कहा डैडी मुझे पानी चाहिए और मैंने कहा बिली सीधे रसोई घर में जाओ, उस छोटी मेज पर रखा है। मैंने कहा, वो उठा, उसने अपनी आंखें मली और वहां से देखा, उसने कहा डैडी मुझे जाने में डर लग रहा है, देखा और मैंने कहा ठीक है तो ठीक है। मैंने कहा बस दौड़ कर जाओ प्रिय और पानी पी लो, पापा बहुत थके हुए हैं, जो बस थोड़ी ही दूरी पर उस खिड़की के पास था। और उसने कहा लेकिन मुझे जाने से डर लग रहा है डैडी, देखा तो ठीक है। मैं छोटे बच्चे के साथ उठा और वहाँ पर पहुँचा और उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और ये अच्छी बात थी, हम 4 या 5 कदम भी नहीं चले थे तब उसने एक कपड़े के टुकड़े पर पैर रख दिया जहाँ मेडा ने फर्श पर मोम से चमकाया था और लिनोलियम फर्श के टुकड़े पर रखा। और आप जानते होंगे कि यह कैसा होता है और वो बस थोड़ा फिसलने लगा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा था और फिर उसने मुझे बहुत जोर से कसकर पकड़ लिया और फिर मैं वहाँ कुछ समय खड़ा हो गया और मैंने सोचा परमेश्वर यह सही है, देखा आप मेरे हाथों को पकड़े बिना मैं एक कदम भी नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कब फिसलने जा रहा हूँ, आपने देखा। और जब तक मैं आपके बड़े सामर्थ्य से भरे हाथ की पकड़ को महसूस कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे पकड़ लेंगे उस समय पर, समझे। इसलिए मैं इसी चीज की आदत बनाने की कोशिश करता हूँ कि उसके हाथ में अपने हाथ को रखे रहूँ। और कभी कभी मैंने ऐसी चीजें की हैं जो मुझे अपनी दृष्टि में हास्यास्पद दिखाई देती हैं, ऐसी चीजें जो मनुष्य के दिमाग के लिए बहुत ही अस्वाभाविक लगती हैं, लेकिन यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे सही रीति से करना था। आप जानते हैं जो चीजें यहाँ सही नहीं दिखाई देती हैं, यदि परमेश्वर आपको उनमें अगुवाई करता है तो वे यहाँ कहीं पर होंगी, आप देखिए, क्योंकि वह जानता है कि किस तरह से अगुवाई करना है। इसलिए यह देखते हुए कि वो हमारा सर्व पर्याप्त अनुग्रह है और जो कुछ हमें आवश्यकता है या जिसकी हमें चिंता है वो उसी में है, तो आइए हम उसके अलावा बाकी की सारी चीजों को छोड़ दें और परमेश्वर के न बदलने वाले हाथ को थामे रहें। हम यहाँ हमेशा एक गाना गाते थे, मैंने इसे लंबे समय से गाते हुए नहीं सुना है, अब मैं गा नहीं सकता हूँ और वहाँ मैं नहीं सोचता हूँ कि हमारे बीच कोई अनजान व्यक्ति है, तो मैं यही कारण है कि मैं इन छोटे गीतों को गाने की कोशिश करता हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि मैं इसे बस बहुत पसंद करता हूँ। और जीन यदि तुम इसे उस टेप के जरिए से सार्वजनिक रूप से जाने दो, हमेशा ही यहाँ एक छोटा सा गीत गाया करते थे, समय तेज रूपांतरों से भरा हुआ है, पृथ्वी पर कुछ भी चीज अटल खड़ी नहीं हो सकती, अनंत चीजों पर अपनी आशाओं को बनाए, परमेश्वर के न बदलने वाले हाथ को थामे रहें। आप में से कितने लोगों ने कभी गीत को सुना है, ओह मैं इसे पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं करते हैं? आइए इसके एक छंद को गाने की कोशिश करते हैं। Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal.
eternal. Hold to God's unchanging hand. आइए एक छंद को गाने की कोशिश करें. When our journey is completed, into God we have been true. Fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. आइए अब प्रार्थना के लिए बस एक मिनट खड़े हो जाएं. यदि आप चाहें तो हम अपने एक हाथ को परमेश्वर की ओर उठाकर इसे फिर से गाएं. God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging. Not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, जब हम खड़े हुए हैं प्रभु, हम बस उन पुराने गीतों को गाना पसंद करते हैं. वे हमारे हृदय के अंदरूनी भागों में गहराई तक चले जाते हैं और हमारे प्रेम के भाव को आपके लिए लेकर आते हैं, जीवित परमेश्वर. और जब हमने हाथ को उठाया प्रभु, आज सुबह यह एक छोटा सा निवेदन था कि प्रभु हमारे हाथ को पकड़े. जैसा कि मैं बिली पॉल के बारे में बता रहा था कि उसने किस तरह से मेरे हाथ को कस कर पकड़ लिया. वह गिर गया होता यदि मैंने उसे पकड़ा नहीं होता था. और हे परमेश्वर, हम कितनी बार गिर गए होते यदि आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता था. सोचते हुए किस तरह से वो बिना माँ के एक छोटे बालक की नाई, और कैसे यह किस तरह से जीवन भर वो मार्ग उसने ले लिया था, वो बहुत पहले ही मार डाला गया होता था. लेकिन वहाँ एक महान हाथ था जो वहाँ पहुँच सकता था जहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता था, और उसे पकड़ लिया. अब हम इसके लिए बहुत आभारी हैं. इसलिए हम ये जानकर खुश हैं प्रभु कि जब हम महसूस करते हैं कि हमारा प्राण इस शरीर से अलग हो रहा है, कि वहाँ अब भी एक हाथ है जिस तक हम पहुँच सकते हैं और पकड़ सकते हैं, जो नदी के एक ओर से दूसरी ओर तक हमारी अगुवाई करेगा. हम इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस भरोसे के लिए, इस आशीषित भरोसे के लिए जो हमारे पास है. प्राण का एक लंगर यह हमें स्थिर रखता है जब हम इस यात्रा पर चल रहे होते हैं या जीवन के जीवन में सफर करते हैं. और हम प्रार्थना करते हैं पिता, जैसा कि कवि ने कहा, असहाय और एक टूटा हुआ भाई हमारी धैर्यता या स्थिरता को देखकर उलटने पर इसे देखकर फिर से हृदय को संभाल लेगा या फिर से साहस करेगा और फिर से प्रयास करेगा. जानते हैं कि सर्व पर्याप्त परमेश्वर, यदि हम ठोकर खाते हैं या गिरते हैं, तो उसका महान हाथ हमारी सहायता के लिए है. उसका अनुग्रह काफी है. अब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम आज सुबह स्तुति के गीतों में और गाते हुए और आनंद करते हुए नए वर्ष की शुरुआत करें, और ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें वहाँ जीवन की यात्रा में से होते हुए और मृत्यु की नदी के एक ओर से दूसरी ओर तक उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में मार्गदर्शन करेगा. हमारी आंखें आज सुबह उस ओर यर्दन के आसपास की
जल धाराओं की ओर देखती है, जहां आनंद या तीन पत्तियों के खेत और सदाबहार के खेत बढ़ रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे प्राण उस दर्शन को पकड़ लेंगे और उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। किसी दिन जब हमें उस जलधारा में उतरना होगा जहां से वो उसे पार करती है, जैसे वो पहले समय का एलिया, तब परमेश्वर के वस्त्र को मृत्यु की धाराओं पर प्रहार करेगा और हम इस ओर से दूसरी ओर तक निडर होकर चलेंगे। इसे प्रदान करें प्रभु, हमारी सहायता करें जब हम आपके वचन के समीप आते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा इन वचनों का अभिषेक करे। ना ही शिक्षक होने के नाते हम उन्हें निश्चित रूप से शिक्षा देने के लिए अयोग्य हैं। हम ये जानते हैं कि केवल एक ही तरीका है जो हम उस महान गुरु शिक्षक की ओर से ही इसे जान सकेंगे, ताकि वो आकर और हमारे हृदयों में उसके निवास स्थान को ले ले और हमारे मनों में एक तरह से अधिकार को करे और हमारे विचारों पर इतना तक कि हम वो हमारे लिए पवित्र वचनों का अनुवाद करे। हम पूरी तरह से उसी पर निर्भर हैं और इसके बारे में सोचते हैं परमेश्वर, ओ कितना अद्भुत है कि इस तरह का एक जीवित पिता है, जो कि बिल्कुल यही वो अनंतता का जन्म है, जो एक मरणहार जीवों के लिए नीचे आएगा और हमारी सहायता करेगा और अपने वचन को लाएगा और इसे हमारे मुंह और हृदयों और कानों में डाल देगा, जिससे कि हम इसे सुन सकें और जिए। हमें उस एक श्राप से छुड़ाने के लिए कि इसके आने से हमारा कोई लेना देना नहीं था पिता, क्योंकि यह मनुष्य जाति के द्वारा किया गया था और हम उस पहले जोड़े के वंश हैं और हमने पाप में जन्म लिया, अधर्मता में आकार लिया, लेकिन एक न्यायी और जीवित परमेश्वर जानता है कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने बच निकलने के लिए एक बार को बनाया और हमें आने का सौभाग्य दिया। हम कितने खुश हैं कि हम पिता के घर आए हैं। हम अब प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ हमारे कलीसिया को आशीष दें। भाई नेविल, जो हमारे साहसी पास्टर, आपका नम्र सेवक है, हम हमारे डिकनों और अपने खजांचियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें उनके लिए सबसे महान वर्ष को देंगे। इसे प्रदान करें प्रभु, उन्हें लंबा जीवन दीजिए, उन्हें शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु, वे आपके सेवक हैं, होने पाए वे कर्तव्य के पद पर हमेशा साहसी बने रहें। सभी लोगों को आशीष देना, उन सदस्यों को, आपके प्रिय बच्चों को जो इस भवन में आते हैं। परमेश्वर, हम उनमें से हर एक के प्राण का दावा करते हैं जो इस भवन के द्वार को पार करके आते हैं। हम इसे आपके लिए दावा करते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें ऐसे सेवक होने के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को बहुत ही सरल और बहुत ही सच्चा बना सकें, कि वे आपके जैसे बनने की लालसा रखें। प्रभु, इसे प्रदान करें। बीमारों और पीड़ितों को जो अंदर आते हैं उन्हें चंगा कीजिए और सारे संसार भर में परमेश्वर के हर एक भवन के लिए इसे प्रदान कीजिए। अतः जब आप समाप्त कर लेते हैं प्रभु, होने पाए हम आपके उस मुख्य द्वार में प्रवेश करें, परमेश्वर के स्वागत की उस मेज पर बैठ सकें और खा सकें और कभी न खत्म होने वाले युगों तक एक साथ रह सकें। तब तक के लिए हमारे पास अच्छी सेहत, बल, खुशी, आनंद, सामर्थ और शक्ति हो। और पवित्र आत्मा की आशीषें हो ताकि हमारा मार्गदर्शन करे। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। मैं आज सुबह उस बेहतरीन संगीत की सराहना करता हूँ, वो मैं उसी समय पर अंदर आया। मैं वहाँ पीछे मेरे अच्छे मित्र भाई स्कैग्स और भाई जीन के साथ बात कर रहा था और दरवाजे पर दूसरे भाई भी थे। उस समय तक मुझे इस गीत का कुछ भाग सुनने को नहीं मिला, लेकिन यह रिकॉर्डर पर बहुत सुंदर सुनाई पड़ रहा था। आप सभी प्रकाशित वाक्य का कितना आनंद ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैं अपनी छोटी लड़की सारा की तरह काफी कुछ विश्वास करता हूँ। वो वहाँ पीछे थी, यह शब्द मेरे लिए क्रांति बन गया है। यह बस बार बार और बार बार होने वाली क्रांतियां हैं। आप जानते हैं, मैं चाहता था हमारे पास अभी लगभग मार्च या अप्रैल तक होता, बस यहाँ पीछे एक बहुत ही बड़ा चित्र बनाने के लिए बोर्ड को लगाते और तब दिन के समय पर आकर और उन चित्रों को बनाते और पूरे चार्ट को और तब उन्हें ऊपर उठाकर और नीचे खिड़की के झरोखे की तरह लगाते। आप समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने हमेशा सपना देखा है कि कभी तो
कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा सा भवन हो जहां पर मैं पहुंच सकूं और इस चार्ट को नीचे उतार सकूं, मंच पर से सारी बातों को बता सकूं और उन प्रकाशन और अनुवाद को दूं जो प्रभु ने मुझे दिए हैं और एक संकेतक को लेकर और वहां से आरंभ करते हुए और नीचे इन युगों तक बताऊं। उसके बाद जब हम इसके साथ होकर जाते हैं तो इस एक को ऊपर उठाएं, दूसरे को इस तरह से नीचे खींचें और उस पर बताना शुरू करें और इसमें से होकर सिखाएं। ओह, यह बस एक छोटे से स्वर्ग की तरह होगा, क्या ऐसा नहीं है? बस पूरे शीतकाल में से होते हुए बैठे रहें, बस इसे प्रभु के साथ बिताएं। उसके साथ अकेले रहना बहुत अच्छा है। आप जानते होंगे हम एक गीत गाया करते थे, कभी कभी मैं अपने प्रभु मसीह के साथ अकेले रहना पसंद करता हूँ, मैं उसे अपनी सारी परेशानियाँ अकेले ही बता सकता हूँ। देखिए, पाने का यही जरिया है। वे हमेशा गाते थे, रॉय डेविस एक छोटा गीत हमेशा गाते थे, चुपके से दूर जाकर और यीशु से प्रार्थना करो। हर एक चीज बस संकेत करती है, जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो हमेशा यीशु मसीह की पंक्ति में वापस आता है, या ऐसा नहीं है? अब कलीसिया के उन युगों के बारे में जिन पर हमने बात की थी पिछले 8 दिन की सभाओं में, फिर कल रात मैं सोचता हूँ कि हमने प्रकाशित वाक्य के 4th अध्याय के 2nd पद को लिया, और मुझे लगता है कि आप सभी इन बातों को लेने के लिए कल रात यहाँ पर थे, और इसलिए मैं, हो सकता है यदि आज सुबह मैं आगे इसके या 2 पद पर जाऊं और या प्रभु कितनी दूर तक ले जाएगा मैं नहीं जानता। मैंने यहाँ लगभग 6वें या 7वें पद तक लिख कर रखा हुआ है, बस छोटे से विषय को लिख कर रखा है जहाँ मैं वचनों के भिन्न भिन्न भागों में जा सकता हूँ और उन चीजों को निकाल सकता हूँ जहाँ पर मैंने कल अध्ययन किया था। और अब हम देखेंगे, हमने कल रात को जहाँ छोड़ा था, मैं सोचता हूँ कि 2nd पद पर 3rd से शुरू करते हैं, मुझे लगता है कि यही था, और हमने अब तुरही की आवाज के साथ समाप्त किया था। क्या यह सही नहीं है, उस आवाज का ध्वनि करना? मैं ये सब पढ़ता हूँ जिससे कि हम अब वापस लें। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ, एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और वो जो उस सिंहासन पर बैठा है, वो यशप और मानिक पत्थर सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के लगभग चारों ओर मरकत के जैसा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। अब यह सुंदर, ओह सुंदर विषय है, और आज सुबह मेरे यहाँ आने से ठीक पहले मैं यहाँ 6वें पद में गया। मैंने सोचा, ओह मेरे प्रभु, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ इस 6वें पद में कुछ तो है जो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छी तरह से सुने जब हम इन पशुओं पर लेते हैं। यहाँ इन पशुओं की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं। मूल में पीछे जाकर देखते हैं तो एक पशु एक तरह का पशु है और वे अन्य 4 पशु दूसरे तरह के हैं। एक उस एक जानवर का है यूनानी में, जैसे कि जंगली जानवर। इस दूसरे का किंग जेम्स संस्करण में सही अनुवाद नहीं किया गया है, क्योंकि ये वे पशु नहीं है, यह जीवित सृष्टियां हैं। वे किस तरह से वे सृष्टियां, वे क्या थे? ये मानव नहीं थे और न ही ये दूत थे। सो ये जीवित सृष्टियां हैं, और कैसे उनके 4 मुंह थे और 4, ओह मेरे प्रभु, हम इसे सीधे सुसमाचार में लाते हैं और इसे ठीक वापस लाते हैं, और इसे आज बिल्कुल उतना ही सिद्ध रूप से रखते हैं जितना कि यहाँ पर है। और याद रखें, 4 एक धरती की संख्या है, देखा? और यह वहाँ बस एक सुंदर विषय है, और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें नहीं जाएंगे। हो सकता है हम जाएं, लेकिन यह बहुत ही अद्भुत है। फिर प्रभु ने चाहा तो यदि मैं यहीं कहीं रहता हूँ तो हो सकता है अगले रविवार को हम शायद फिर से इसे लेने की कोशिश करेंगे। आगे देखेंगे कि क्या हम आगे जाने से पहले इस 4th अध्याय को समाप्त कर सकते हैं। हम अभी तक ठीक से नहीं जानते हैं कि पहली शुरुआत कहाँ पर होगी। अब हम देखते हैं कि बाद में, इन बातों के बाद, बात का मतलब है कि कलीसिया के युग समाप्त होने के बाद, उसके बाद यूहन्ना को ऊपर आने के लिए बुलाया गया,
यहाँ ऊपर आ, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर ऊपर आओ। उसने उसे वो सब दिखाया जो उस कलीसिया के युग के संसार में होने जा रहा था। फिर कलीसिया के युगों के समाप्त होने के बाद तब हम देखते हैं कि योन्ना हर एक सच्चे विश्वासी का एक प्रकार था जिसे मसीह के द्वारा ऊंचे पर बुलाया जाएगा। ये सही है, उसे बुलाया गया, यहाँ ऊपर आ। और हम देखते हैं कि जिस आवाज ने उससे बात की थी वो तुरही की आवाज थी, साफ स्पष्ट रूप से, और यह वही आवाज थी जिसने उससे यहाँ धरती पर बात की थी। देखिए, जब तक वह सुनहरे सात धूपदानों के बीच में था तब तक वो बोल रहा था, मतलब वहाँ से, ओह मुझे ये पसंद है, धूपदानों में से बोल रहा था। देखो, वो धूपदानों में था, उसमें से उसकी कलीसिया से बात कर रहा था। उसके बाद जब कलीसिया युग समाप्त हो गया था, उसने धरती को छोड़ दिया और स्वर्ग में चला गया, और उसने उसके छुड़ाए हुए को अपने साथ बुलाया। ओह, क्या यह सुंदर नहीं है? मैं ओह, यह मेरे हृदय को उछलने को लगाता है। और याद रखें, जैसा कि हम इन बातों को लाते हैं, मैं विशेष रूप से परिवर्तित हुए युवा लोगों को यहाँ पर चाहता हूँ, जैसे यहाँ बहन ईना है, या और ईना, मेरा मतलब, और उसके पति और रॉडनी और उसकी पत्नी और चार्ली और वे लोग, ताकि इसे समझें जो ये बातें हैं। और आप में से बहुत से नौजवान लोग जो हाल ही में प्रभु में आए हैं, जो अभी तक बहुत आगे तक नहीं गए हैं, बस उसे चखा है और देखा है कि वो भला और अनुग्रहकारी है। अब इस पर ध्यान दें कि ये बातें जो हम बोल रहे हैं, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके विश्वास को स्थिर करता है कि जब परमेश्वर कुछ भी कहता है तो इसे घटित होना ही है, यह बस विफल नहीं होगा, कोई फर्क नहीं। ये हो सकता है ऐसा लगे कि ये लाखों मील है और कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर इसे ठीक तभी घुमा देगा और इसे घटित करेगा, और वो आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा करता है। देखो जो उसने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को यहाँ पहाड़ी के सबसे ऊपर ले जाओ और उसे मार दो। 25 वर्ष तक उसके लिए उसने प्रतीक्षा की थी, उसके बाद, और उसने कहा उसे यहाँ ऊपर ले जाकर मार डालो, और कैसा, मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाने जा रहा हूँ। और अब्राहम 100 वर्ष का था, उसकी पत्नी 90 की थी, और उनका इकलौता बालक अब्राहम उस समय लगभग 115 वर्ष का था। तो उसने कहा वो कैसे होगा, ये कैसे कैसे हो सकता है, यदि मैं एक बूढ़ा मनुष्य, जैसे कि मैं बूढ़ा हूँ और 25 साल तक प्रतीक्षा करता रहा, आपने मुझे 75 वर्ष की उम्र में प्रतिज्ञा दी, और यहाँ मैं 100 वर्ष का हूँ, और सारा 65 वर्ष की थी, और अब वो 90 वर्ष की है, कैसे हमारे इस बालक को जन्म देने के बाद, और आपने मुझे बहुत पहले बताया, 25 वर्ष पहले जब मैं 75 वर्ष का था, मुझे बालक होने जा रहा था, सारा के साथ इतने वर्ष रहने के बाद मैं जीवाणुहीन था और वो बांस थी। सो फिर कैसे, तो भी आपने मुझे फलदायक बनाया और उसे फलदायक बनाया, और फिर साथ ही आकर और हमें ये बालक दिया, और हमने उसे यहाँ 15 वर्ष की उम्र तक पाल पोस कर बड़ा किया है। और इस बालक के जरिए से आपने कहा था कि तुम अन्य जातियों और संसार के हर राष्ट्र के लिए आशीष ठहरोगे और मुझे पिता बनाओगे, यहाँ तक अन्य जातियों का भी मुझे पिता बनाओगे, फिर आने वाले युगों में जो आने पर है प्रभु, कि आप मुझे इस बालक के जरिए से इस आकाश के नीचे के हर एक राष्ट्र का पिता बनाओगे, और इस बालक के जरिए से एक छुड़ाने वाला आएगा, और उस छुड़ाने वाले के जरिए से पूरी मनुष्य जाति को छुड़ाया जाएगा। आप इसे कैसे करने जा रहे हैं प्रभु? ऐसा अब्राहम का विचार नहीं था, यह अब्राहम का सवाल नहीं था, आज्ञाकारी ऐसा नहीं कहा, आप इसे कैसे करने जा रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है, आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपके वचन के अधिकार को जानता हूँ। यदि आप अपने वचन को मेरे लिए बनाए रख सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं कि मैं जब 75 वर्ष का था, जब आपने मुझे बुलाकर कहा अपने आप को अलग कर और पराये देश में चला जा, तो मैं इस देश में 25 वर्ष से रह रहा हूँ, छूटा हुआ एक बूढ़ा मनुष्य एक पत्नी के साथ रह रहा है, जिसके साथ मैं तब से रह रहा हूँ जब वो एक लड़की थी, वो मेरी चचेरी बहन थी, और तब मैं इस सारे समय में, और आपने मुझे बालक दिया जिसकी आपने प्रतिज्ञा की थी, मैंने उसे निर्जीव में से एक किनाई पाया है, और यदि आप कहते हो उसे मार डालो, तो आप उसे फिर से मरे हुए में से जिलाने में सक्षम हैं। ओह प्रभु, यह इसी तरह से है, यही है,
और उसने किया, और जैसे ही उसने पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, इसहाक के बालों को उसके चेहरे पर से हटाया, मारने के लिए खंजर को बाहर निकाला, उसके अपने पुत्र को, उसके इकलौते पुत्र को परमेश्वर एक नमूने को दिखा रहा था, हमें दिखा रहा था। उसने ऐसा किस लिए किया? उसे ऐसा नहीं करना था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया कि आप और मैं, जिससे कि हम इस अंधेरे भयानक दिन में इन बातों की ओर देख सके, जहां मनुष्यों के हृदय बुराई से भरे हुए हैं, जिससे कि हम जान सकें कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना असक्षम दिखाई दे सकता है, कितना असंभव दिखाई दे सकता है, परमेश्वर अब भी परमेश्वर बना रहता है और वो उसके द्वारा की गई हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करता है। यही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम यहाँ एक चंगाई की सभा में खड़े होते हैं, या खड़े होकर आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, और आप इसमें कोई संदेह नहीं, आप बीमार हो, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है, तब वो नीचे उतर आएगा। अब देखो, उसने यहाँ प्रायश्चितता को किया कि वो आपको चंगा करेगा। यही है जो उसने किया है। अब केवल एक चीज है जो वो आपसे करने के लिए कहता है, आप इसे विश्वास करें, इसे वैसे ही थामे रहें जैसे अब्राहम ने किया था। तो ठीक है, डॉक्टर कहता है कि मैं एक दिन ही और जीऊंगा, मैं परवाह नहीं करता हूँ, ये ठीक बात है। मनुष्य बस इतना ही जानता है, वही सबसे अच्छा है जो वो जानता है। अब्राहम इस बालक को यहाँ कैसे प्राप्त करने जा रहा था, उसके उसे पहले से यहाँ पर लिटाने के बाद, और परमेश्वर के वचन ने उससे कहा कि जाकर लड़के को मार डालो, वो भला कैसे इसे करने जा रहा है? सवाल ये नहीं है, परमेश्वर ने कहा कि करो और इससे बात खत्म हो जाती है, मैं भला कैसे ठीक होऊंगा? और डॉक्टर कहता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, मैं वह मुझे नहीं, मुझे सवाल को नहीं करना है, ये परमेश्वर के वचन को लेता है, और जैसे ही ये आप पर प्रकट हो जाता है कि आप चंगे होने जा रहे हैं, तब आपको बस यही याद रहता है कि आप चंगे होने जा रहे हैं, कोई भी बात आपको इससे रोक नहीं सकती, ये सही है, समझे? तो जब अब्राहम पूरी तरह से आज्ञाकारी रहने में, वो इसे कैसे करने जा रहा है? अंतिम समय, अंतिम 5 मिनट रह गए, अंतिम 3 मिनट, अंतिम 2 मिनट, अंतिम 1 मिनट, अंतिम 30 सेकंड, अंतिम सेकंड आता है जब लड़के की जान को लेने के लिए हाथ ऊपर उठ गया था, तो परमेश्वर ने कहा इसे वहीं पर रोक दो, वहीं पर इसे रोक दो। देखो, मैं देखता हूँ कि तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो। अब अब्राहम, मैंने बस ऐसे ही इसे किया ताकि आने वाले दिनों में ब्रैनम टैबरनेकल को दिखाऊं, देखो कि क्या हो रहा है, जिससे कि उन्हें मुझ पर अवश्य ही भरोसा हो जाए। उन्हें बिल्कुल ही मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए, मुझ पर भरोसा करो। बस लगभग उस समय में वो यहाँ एक बलिदान था, उसने इसे कभी भी व्यर्थ में नहीं किया, नहीं, उसने इसे कभी भी व्यर्थ में नहीं किया, क्योंकि उसी समय पर एक मेमना मिमिया रहा था, एक छोटा मेढा वहाँ के झाड़ियों में सींगों से जकड़ा हुआ था। और हम इसमें से कितनी बार होकर गए हैं, वो मेढा वहाँ कैसे पहुँचा, कैसे उन सारे जंगली जानवर में से होते हुए वहाँ पहुँचा, 100 मील दूर, रोजाना के जीवन से, शेरों के बीच में से, गीदड़ों के, भेड़ियों के बीच, वहाँ पीछे हर तरह के जंगली जानवर थे, वहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी पर जहाँ न पानी है और न ही घास, वो वहाँ पर क्या कर रहा था? परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की, बस उसे वहीं पर रख दिया, और उसे हमारे दिनों में देखने के लिए जिसमें हम रह रहे हैं। अब आज सुबह में बहुत सी व्यक्तिगत बातें करनी होगी इसे कहने के लिए, उसे समझाने के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ। यही कारण है मैं इस तरह से इसकी बुनियाद को रख रहा हूँ। इस पर शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि ये चीजें जो व्यक्तिगत दिखाई देती हैं, उनका मतलब व्यक्तिगत से नहीं है। वे केवल आपको बस एक उदाहरण को देने के लिए लाया गया है, जिससे कि आपका विश्वास पूरी तरह से विश्राम कर सके उस विश्वास में जो मसीह में है, जिससे आप उसकी प्रतिज्ञा पर विश्राम कर सकें, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को उतना ही सिद्ध रूप से पूरा करता है जितना इसे किया जा सकता है, अभी हमें दिखा रहा है। और उसी यहोवा यीरे की ओर देखो, जो अब्राहम ने उसे कहकर बुलाया था, जिसका इब्रानी में अर्थ होता है परमेश्वर अपने लिए एक बलिदान का उपाय करेगा। परमेश्वर ऐसा कर सकता है, उसने अपना मार्ग बनाया। यदि उसने कहा, उसने नूह से कहा, आपने कहा ठीक है वह अब्राहम ही था, नहीं, उसने सारे युगों में से होते हुए बताया, और वो
अभी भी बता रहा है। उसने वहाँ पीछे नूह से कहा कि जैसा कि हम आज सुबह इसमें जा रहे हैं, क्योंकि ये बारिश होने जा रही है, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं था, आसमान में कोई भी बादल नहीं था, जल की सबसे बड़ी धारा का एक विभाग था जहाँ से परमेश्वर ने भूमि की सिंचाई की। कहीं तो एक छोटा सा जल स्त्रोत्र था जो कि वहाँ पर जल की सबसे बड़ी धारा थी। अब लोग कहते हैं जगत में भला कैसे कोई जल वहाँ ऊपर से नीचे उतरेगा, मुझे दिखाओ कि यह उस पूरी तरह से उस तेज सूरज में कहाँ पर है यदि वहाँ कोई नहीं है। यदि परमेश्वर ने कहा एक जहाज बनाओ कि बारिश आ रही है, तो ये मेरा काम है कि मैं जहाज को बनाऊं और तैयार हो जाऊं, क्योंकि ये आने वाली है। वो यहोवा यीरे है, वही ऊपर जल का उपाय कर सकता है। और केवल एक ही काम उसने किया, वो था कि मनुष्य, मूर्ख ना समझ मनुष्य, अपने विज्ञान के साथ बिल्कुल ठीक वैसा ही करे, जिससे कि वह इसे पूरा होने दे। जो वो जानता था वो होगा। परमेश्वर ने कभी संसार का नाश नहीं किया, मनुष्य संसार का नाश करता है। परमेश्वर कुछ भी नाश नहीं करता, परमेश्वर सब चीजों को बनाए रखने की कोशिश करता है। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को नाश कर लेता है, जैसे उसने अदन की वाटिका में उस पेड़ और इत्यादि पर किया, और जो कुछ कट्टरपंथियों को कहीं न कहीं परमाणु शक्ति का अधिकार मिल गया है जो उनके पास दिया है। वे इसके साथ तब काम कर सकते थे क्योंकि वे इसके साथ ऐसे कामों को कर सकते थे जो हमने अभी तक कभी नहीं सीखा है। हम इतने प्रगतिशील नहीं हुए हैं। हो सकता है कि अभी भी 3 या 4 वर्ष लगेंगे या इससे अधिक, इससे पहले हम इसे कर सके जो उन्होंने किया। उन्होंने पिरामिड और रहस्यमयी मूर्तियां और आदि का निर्माण किया। हम ऐसा कभी नहीं बना सकते, हम इसे फिर से उत्पन्न नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, केवल जब तक हम परमाणु शक्ति को नहीं पा लेते हैं। पेट्रोल शक्ति, बिजली की शक्ति, उनमें से एक भी पत्थर नहीं उठा पाएंगी, उसे जमीन से नहीं हिला पाएंगी, और उनमें से कुछ एक शहर के शिलाखंड ऊंचे हैं, हवा में ऊपर हैं, और उनका वजन 1 अरब टन है। वे उन्हें वहाँ ऊपर कैसे ले गए? देखो, वे जानकार थे, और वे इसे छोड़ देते। कोई तो उनमें से एक परमाणु बम को छोड़ देता, किसी और के स्थान में उड़कर जाता उन पुराने दिनों में, क्योंकि जैसा ये नूह के दिनों में हुआ था, जैसा कि ये था उस तरह का सामाजिक विकास, उस तरह के एक बुद्धिमान लोग जैसा ये नूह के दिनों में था, ऐसा ही होगा, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन में होगा, एक दोहराया जाना जैसा ये था। देखा, यहाँ ज्यादा समय नहीं हुआ, उन्होंने एक आधुनिक जलाशय को खोद निकाला था यहाँ नीचे मेक्सिको में, प्रलय पूर्व बाढ़ आने से पहले। आपने इसे देखा है, यह अखबार में आया था, जहाँ एक आधुनिक जलाशय था, बिल्कुल जैसे हमारे पास अभी है, जो जमीन के नीचे बहुत दूर तक नीचे समा गया है। किसी परमाणु, किसी चीज ने इसे ढाक लिया था, वो चीज बस उड़ गई और उसके ऊपर इस तरह से चली गई। देखा, अब जैसा कि नूह के दिनों में था, बुद्धिमान मनुष्य अपनी परमाणु शक्तियों और चीजों के साथ, बुद्धिमान मनुष्य जो पिरामिड और रहस्यमय मूर्तियों और आदि का निर्माण कर सकते थे, जैसा ये उस दिन में था, वैसा ही ये होगा। लेकिन इस दिन काम को घटाया जाना है, क्योंकि वहाँ एक रैप्चर हुए लोगों को बाहर निकाला जाना है, जैसे कि हनोक, वहाँ पर लोगों को आगे ले लिया जाएगा। हम आज सुबह उसी वर्ग में हैं, उन लोगों को आगे ले जाया गया था, जैसे कि नूह को बाढ़ में से होते हुए किया था। लेकिन याद रखें, इससे पहले इसे मत भूलना, इससे पहले बारिश की एक बूंद गिरे, इससे पहले आकाश में एक चीज होती थी, इससे पहले नूह कभी जहाज को पूरा करता, हनोक घर उठाया गया था, हनोक का बिना मृत्यु के रैप्चर हुआ था। बस उसने एक दिन चलना आरंभ किया और धरती की चुंबकीय शक्ति ने उस पर अपनी पकड़ को खो दिया, और उसने पाया कि उसका एक पैर थोड़ा ऊंचा उठा है और दूसरा पैर थोड़ा और ऊंचा उठा है और दूसरा पैर थोड़ा और ऊंचा उठा है। और पहली बात जो आप जानते हैं, उसने कहा अलविदा दुनिया, बस महिमा में ऊपर चला गया। और जब नूह ने चारों ओर देखा और हनोक को कहीं नहीं पाया, तो उसने यहाँ वहाँ देखा और वह नहीं जानता था कि हनोक कहाँ गया था। तब उसने कहा अब जहाज बनाने का समय आ गया है, समझे, और बचे हुए को आगे ले जाने के लिए
जहाज बनाने के काम पर चला गया। यह वही बात है जो ठीक यहाँ पर जगह लेती है। कलीसिया को स्वर्ग में उठा लिया गया था और यूहन्ना अब इसके साथ ऊपर लाया गया था, जो एक पुनरुत्थान के हो जाने का नमूना है, जैसा कि हमने पिछली रात को इसे बताया था। और हम ये देखते हैं कि वही आवाज जिसने उसे पीछे धरती पर देखने के लिए बुलाया था, ये वही आवाज थी जिसने उसे ऊपर आने के लिए बुलाया था। और हर एक मसीही उसी आवाज को चार ली जिसने आपको एक दिन वहाँ नीचे केंटकी में बुलाया, पीछे मुड़ो। ये वही आवाज है जो आपको बुलाएगी, ऊपर आ। क्या आप इससे खुश नहीं हैं, भाई इवांस? वो आवाज जिसने कहा पीछे मुड़ो, वही आवाज ने कहा ऊपर आ। ओ प्रभु, वहाँ क्या ही पुकार है, क्या ही वास्तविकता है, स्पष्ट सुनिश्चित एक तुरही की तरह। पीछे मुड़ो, मेरी सेवा करो, ऊपर आ जहाँ मैं हूँ। वहाँ हमने उसे उन मरे हुओं का प्रतिनिधित्व करते देखा, मूसा को जो मरे संतों का प्रतिनिधित्व करता है जी उठा, एलिया अंतिम दिन में अपने झुंड के साथ, उसके रैप्चर हुए झुंड के साथ वहाँ खड़ा था। सारे प्रभु यीशु के सामने यूहन्ना ने ये प्रकट किया। यीशु ने उनसे कहा कि वो नहीं मरेगा, और उन्हें क्या यदि वो उसके आगमन तक जीवित रहता है, और चेले ऐसा ही कहते जा रहे थे। ओ काश मैं ठीक अभी कुछ मिनटों के लिए कलीसिया के लिए वास्तव में गहराई में जा पाता। हर कोई जानता है और हर एक जन परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत जीवन को जीता है। यह एक व्यक्तिगत मामला है। आत्मा की बातें जो आपको आगे उन स्थानों पर ले जाती है जहां आप इसके बारे में बात करने की भी साहस नहीं करेंगे। मैंने अपनी खुद की छोटी नम्र सेवकाई में इस पर ध्यान दिया है कि बहुत सी बार मैं कुछ तो कहूंगा और मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों कहा और ये ठीक नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी कोई कुछ तो कहेगा, लेकिन मैं देखूंगा और ये बात बस उतनी ही पूरी सिद्ध रूप से आएगी जितनी ये आ सकती है। परमेश्वर इसे घटित करेगा। जब मैं बस कुछ तो कहना चाहता हूँ, मैं कहूंगा अच्छा अब एक मिनट रुकना, वो व्यक्ति फलाना और फलाना, यह यहाँ पर होना है, अब यह बस उसी तरह से होना है, तो ठीक है। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और पहली बात जो आप जानते होंगे वो बस इसी तरह से होता है, परमेश्वर करता है। अब जब इन चेलों ने कहा था, ओह यीशु ने कहा यह मनुष्य नहीं मरेगा, यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। यीशु ने कहा यदि वो मेरे आने तक जीवित रहता है तो तुम्हें क्या, लेकिन देखते हुए चेले ऐसा कह रहे हैं, तब यीशु नीचे आया और यूहन्ना को लिया और उसे ऊपर लेकर आया और उसे सारी बातों को पूर्वाभ्यास कराया, प्रभु के आगमन के पूर्वाभ्यास को दिखाता है। यूहन्ना ने कलीसिया को देखा, उसने कलीसिया युग की समाप्ति को देखा, उसने यहूदियों की समाप्ति को देखा, उसने दूसरा आगमन देखा, उसने सारे क्रम को देखा। और देखो परमेश्वर को क्या करना पड़ा, उसे वहाँ लगभग 24 घंटे तक तेल में उबलने दिया, जिससे कि वे देख सकें कि वो दिव्य था, कि दिव्य आत्मा ने उस प्राण का अभिषेक किया। वो बाहर से मिट्टी राख का है, या जो कुछ भी आप इसे कहते हैं, मनुष्य की देह, इसे इतना दिव्य रूप से प्रभावित किया था, इतना तक कि 24 घंटे तक गरम जलते हुए तेल ने भी उसे नहीं जलाया। मनुष्य में से पवित्र आत्मा को उबालने की कोशिश कर रहे थे, वे ऐसा नहीं कर सके। फिर उसे पथमुस के टापू पर डाल दिया और उसने किताब को लिखा और वापस लौटकर बहुत वर्षों तक प्रचार किया। निसंदेह अब उसे एक बुरा नाम रखा जाना था। वो एक ज्योतिष विद्या बताने वाला है, वो एक जादू टोना करने वाला है। कितने लोग जानते हैं कि यूहन्ना को जादू टोना करने वाला कहा जाता था? निश्चित रूप से यीशु को भी ऐसा कहा जाता था। देखा, देखिए संसार इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो एक मनो को पढ़ने वाला था, समझे? उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा जादू टोना करने वाला था, इतना तक कि उसने उस तेल को भी सम्मोहित कर दिया, जिससे कि वो तेल उसे जला नहीं सका, क्योंकि उसने इसे सम्मोहित कर दिया था। सिर्फ इसलिए कि वो उनके कैथोलिक विचारों के साथ सहमत नहीं था,
बस ऐसा ही था। वो परमेश्वर का एक सेवक था जो नम्र, उसके पास एक छोटा सा लक्ष्य था जिसे उसने रखा था। वह उनके साथ बड़ी पुरानी बातों को सहन नहीं करता होगा और इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाए रखा और उसे सुरक्षित रखा। वैसा ही उसने किया संत मार्टिन के साथ और इरेनियस और सारे युगों में से होते हुए आगे, और वो आज उसी बात को कर रहा है ठीक आगे की ओर आते हुए। अब यह कभी मत भूलना कि परमेश्वर ने बड़ी हिलावट की और महान पराक्रमी कामों की प्रतिज्ञा की थी। आप इसे अपने नोट्स पर लिख कर लें जो आप लिख रहे हैं। देखो, समझे, जिसे मनुष्य सामर्थी और महान कहता है परमेश्वर उसे मूर्ख कहता है, और जिसे मनुष्य मूर्ख कहता है परमेश्वर उसे महान कहता है। इसे मत भूलना, देखो इसे मत भूलना। ये आने वाले वर्षों में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि हम हर समय कुछ तो बहुत महान के लिए देख रहे हैं, और हम हर समय बहुत ही महान को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन संसार के लोग इसे नहीं जानते हैं, न तो उन्होंने इसे नूह के दिनों में जाना और न ही उन्होंने इसे यूहन्ना के दिनों में जाना, यीशु के दिनों में, प्रेरितों के दिनों में, इरेनियस के दिनों में, उन दिनों में से किसी में भी नहीं जाना। उन्होंने इसे कभी नहीं जाना था। यहाँ तक कि जोइन ऑफ आर्क, वो एक संत छोटी महिला थी जब वो कुछ नहीं पर एक छोटी सी लड़की ही थी। परमेश्वर ने उससे दर्शन में बात की और एक दूत ने उससे बात की। आप जानते हैं कैथोलिक कलीसिया ने क्या कहा, वो एक जादू टोना करने वाली है, और उन्होंने उसे खूंटे से बांध दिया और उसे जलाकर मार डाला। ऐसा कैथोलिक याजकों ने किया, उसे मार डाला, उसे एक जादू टोना करने वाली मानकर मौत की सजा सुनाई, और जोइन ऑफ आर्क एक जादू टोना करने वाली के रूप में मर गई। लगभग 200 वर्षों के बाद उन्होंने पाया कि वो जादू टोना करने वाली नहीं थी, वो मसीह की एक शिष्या थी। उन सारे संतों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। यीशु ने कहा, तुम में से किसे तुम्हारे पूर्व पिताओं ने सताया नहीं? भविष्यवक्ताओं में से कौन सा कभी ऐसा आया कि पूर्व पिताओं ने अस्वीकार नहीं किया हो? कहा, तुम सफेद लिपी हुई भीत हो। कहा, तुम वहाँ नीचे जाते हो और भविष्यवक्ताओं की कब्रों के ऊपर सजावट करते हो, और तुम ही वो एक हो जो उन्हें वहाँ उस कब्र में डालते हो। मेरे प्रभु परमेश्वर, समझे, उसने उन्हें कोई घूसा नहीं मारा, उसने उन्हें केवल बताया। यह सांपों की पीढ़ी, यूहन्ना ने कहा, जिसने तुम्हें चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो, यह मत कहना कि तुम्हारे पास तुम्हारा पिता अब्राहम है, हम फलाना बड़े संगठनों से ताल्लुक रखते हैं। क्या तुम एक मसीही हो? ओह, मैं एक मेथोडिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तुलना में जो बर्फ का धूप के साथ होता है, समझे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप एक मसीही हैं, तो आप परमेश्वर के फिर से जन्मे दास हैं। अब जब यूहन्ना आया तो हमने कल रात को इसे लिया था। अब याद रखना, जब आप इस पर आते हैं, क्योंकि इस बात के विषय में मैंने आपको यह तब बताया था। याद रखें, संसार को अब तक का सबसे कड़ा झटका मिल रहा है ठीक अभी, जो कलीसिया का संसार है। अब याद रखें, कोई संदेह नहीं, यूहन्ना के दिनों में, यीशु के दिनों में, वहाँ उनके दिनों में बड़े बड़े पर्व और महान बोलने वाले वक्ता, बड़े बुद्धिजीवी पुरुष थे, और उन्होंने हजारों गुना हजारों लोगों को आकर्षित किया। केफा ने क्या किया होता यदि वो एक सभा को एक साथ बुलाता है? वो सारे यरूशलेम को ले आता, वो सारे इसराइल को ले आता, एक खम्बे से लेकर चौकी तक, और वे सारे कहते, ओह, अब यदि केफा कुछ फलाना और फलाना बातें कहता है तो यह बहुत अच्छा होगा। ओह, क्या आप वचनों पर विश्वास करते हैं रवि, आदरणीय डॉक्टर, बिशप, क्या आप वचनों पर विश्वास करते हैं? निश्चित रूप से मैं वचनों पर विश्वास करता हूँ, मैं एक जाना माना विद्वान हूँ। अच्छी बात है। अब बाइबल यहाँ कहती है कि एक समय आएगा कि वहाँ पर ऐसा होगा, सारे पहाड़ छोटे मेमनों की नाई उछलेंगे, सारे पत्ते ताली बजाएंगे, और सारे ऊंचे स्थानों को नीचे लाया जाएगा और नीचा किया जाएगा, सारे निचले स्थानों को ऊपर लाया जाएगा और ऊंचा किया जाएगा, और इसे जंगल में एक पुकारने वाले आवाज के द्वारा किया जाएगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं रबी, आदरणीय डॉक्टर, पास्टर? निश्चय ही मैं ये विश्वास करता हूँ। यह किस तरह से होगा? ओ परमेश्वर किसी दिन धरती पर एक महान व्यक्ति को भेजेगा। ओ, वो बहुत ही विख्यात होगा। वह जंगल में
पुकारने वाली आवाज होगा या वह आने वाले मसीहा के पहले आएगा। और जब वो आएगा तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि वो स्वर्ग से नीचे उतर कर आएगा और नीचे मंदिर में आएगा। वो यहाँ पर नीचे सीधे मंदिर में आएगा और कहेगा, अब हम सारे रोमी लोगों को लेंगे और उन्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। बस ऐसा ही है, हम सारे रोमी लोगों को मारने जा रहे हैं। और उसके बाद वो कहेगा, नीचे आओ मसीहा, और मसीहा नीचे आ जाएगा और हम हमारे सारे कटाई के औजारों को, मेरा मतलब अपनी तलवारों को, हल के फाल और कटाई करने के औजारों के अंदर ढालने जा रहे हैं और उसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा। और यही उनका अनुवाद है। लेकिन क्या हुआ जब वो आया? किस बात ने जगह ली? आकाश पर कोई प्रदर्शन नहीं था जिसे उन्होंने कभी देखा हो। वहाँ एक चीज हुई थी लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। उन्होंने इसे नहीं देखा। देखो, सारे पहाड़ छोटे मेमनों की तरह कब उछले? सारे ऊंचे स्थान नीचे और निचले स्थान ऊंचे कब हुए? एक पुराना बद्दे से चेहरे वाला प्रचारक जंगल में से बाहर निकलता हुआ आता है और उसे यहाँ तक उसका क ख ग भी नहीं मालूम था। इतिहास के अनुसार वो 9 वर्ष की आयु में जंगल के अंदर चला गया और 30 वर्ष की आयु तक फिर कभी भी नहीं दिखाई दिया था। वो टिड्डियों और जंगली मधु को खाकर जीवित रहता था। टिड्डियाँ, वे लंबे टिड्डी होते हैं, वे उन्हें हर समय खाते हैं। खैर, आप उन्हें यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसे गलत मत समझना, क्योंकि आप उन्हें यहीं पर बड़े बाजारों में खरीद सकते हैं। यदि आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो भौरा, मधुमक्खियाँ, टिड्डियाँ, विषधर सर्प, जो भी आप चाहते हैं, देखो। सो वह टिड्डियों और जंगली मधु खाकर जीवित रहा। क्या ही संतुलित आहार है। लेकिन उसे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा रखा गया था। वो अपने ऊपर घूमे हुए कॉलर के साथ कपड़े नहीं पहनता था, जैसा कि कल रात को किसी ने कहा, भाई पार्नेल या उनमें से किसी ने। तो उसने लंबा फ्रॉक जैसा कोट या औपचारिक वस्त्र नहीं पहना था। और इसके बारे में जो कुछ है, जंगल से बाहर आता है, अपने चारों ओर एक बड़े पुराने भेड़ की खाल के टुकड़े को लपेटे हुए, जैसा कि मैंने कहा है, हो सकता है हमें हर दिन नहाना पड़ता है, और शायद वो हर 3 या 4 महीने में एक बार भी वहाँ जंगल में नहीं नहाता होगा। मैं नहीं जानता, वो दिखने में ऐसा नहीं था कि उसकी ओर देखें। उसके पास कोई पुलपिट नहीं था। वो किसी बड़े बड़े शहर में नहीं गया और ना ही उसने बड़े अभियान चलाए। वो यहाँ यर्दन के तट पर खड़ा हुआ था और उसके घुटनों तक कीचड़ था और कहा, तुम सर्प के वंश हो, कौन तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने की चेतावनी देता है? यही है जब ऊंचे स्थानों को नीचा किया गया, देखो, और निचले स्थानों को ऊंचा किया गया। जी हाँ श्रीमान। फिर पहली बात जो आप जानते हैं, वे अपेक्षा कर रहे थे कि मसीहा दूतों और इत्यादि चीजों के साथ नीचे आएगा और वहाँ पर छज्जे पर नीचे बैठ जाएगा और वो मंदिर जहाँ उन्होंने उसके आगमन के लिए बनाया था, जैसे हम आज विशाल बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं सारे राष्ट्र भर और इत्यादि में, देखा। और वह कब आया? उसने उनमें से हर एक आराधनालय को दरकिनार कर दिया, उनमें से हर एक संगठनाओं को दरकिनार किया और एक अस्तबल में आ गया। उन्होंने उसे इसमें मजबूर किया। आज ऐसा ही है, उसे बातों के अंदर मजबूर किया जाता है, ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है, अंतर संप्रदाय होने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उसका संदेश संप्रदाय के साथ मेल नहीं खाता है। आज उसका संदेश उनके सेवकों के द्वारा प्रचार किया गया, अंतर संप्रदायिक है, क्योंकि संप्रदायों ने उसे बाहर कर दिया। बाइबल ऐसा कहता है, वह बाहर की तरफ था, खटखटा रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। देखा, उसकी अपनी कलीसिया में ये वहीं पर है। देखो, आज भी ऐसा ही है। इसलिए याद रखें, जो मनुष्य के लिए बड़ा दिखाई देता है वो परमेश्वर के सामने छोटा सा है। अब यही कारण है कि आपके पास बहुत सारे फूल नहीं होते हैं, और जब परमेश्वर फिर से आता है, जब यीशु फिर से आता है, तो आप अचंभित रह जाएंगे, जैसे पीछे गली में वो छोटी सी बर्तन धोने वाली महिला। आप अचंभित रह जाएंगे कि वो मनुष्य जो कुछ भी नहीं कहता है, उसके गुप्त बातों को अपने पास ही रखता है और परमेश्वर के सामने चलता रहता है नम्र। आप अचंभित रह जाएंगे। यह ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने प्रचार किया था न्याय पर, न्याय होने पर अचंभित होना। वहाँ पर अवैध तरीके से शराब बनाने वाले और बेचने वाले को देखकर कोई अचंभित नहीं होंगे। वो जानता है कि वो वहाँ पर जा रहा है, इस निश्चय ही यह अचंभित करने वाली बात नहीं होगी। वे झूठे, वे बिचारी हरिजन को वहाँ देखकर
हम अचंभित नहीं होंगे, लेकिन अचंभित होंगे और निराशा होगी उन्हें जो सोचते हैं कि वे वहाँ पर जा रहे थे। जी हाँ, और फिर ठुकरा दिए जाएंगे वे जिन्होंने कहा ठीक है एक मिनट रुकना, मेरी माँ इस कलीसिया से ताल्लुक रखती थी, मेरे पिता इस कलीसिया से थे, मेरे दादाजी और दादी, मैं जीवन भर वहाँ का सदस्य रहा हूँ, तू अधर्म के कार्य करने वाले मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे जानता भी नहीं। उन दिनों में देखो जब छोटा सा बूढ़ा शिमोन, अनजान मनुष्य, कोई प्रतिष्ठा नहीं, हम बाइबल में उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन बाइबल ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट किया गया, वहाँ वो है, तुम वहाँ हो, कि वो तब तक न मरेगा जब तक कि वो उस प्रभु के मसीह को नहीं देख लेता। तब देखें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था, किसी तरह का एक विचित्र सा व्यक्ति, जंगल में का एक वनवासी, ये उस पर प्रकट हुआ, वो संदेश को प्रचार करने के लिए आगे आता है। उसकी ओर देखो, वो छोटी हन्ना कौन थी, छोटी सी कुंवारी मरियम, वहाँ नीचे उस नासरत शहर में जिसका अर्थ है जेफरसन मिले, और जहाँ पाप और सब कुछ बहुत अधिक था, लेकिन उसने खुद को शुद्ध रखा था क्योंकि वो जानती थी कि किसी दिन मसीहा आने वाला था, समझे। यूसुफ एक बड़े ने उसकी पत्नी को खो दिया था और इस छोटी लड़की से प्रेम जता रहा था, और ये उसमें से वहाँ होते हुए उस तक पवित्र आत्मा आता है, और फिर संसार के लोग उसके पास आते हैं और इसे काले नामों को देते हैं, जैसे पवित्र शोर शराबा करने वाले पेंटिकॉस्टल, देखो इसे काला नाम दिया गया क्योंकि वो उसका वो बालक पवित्र विवाह में से जन्मा था। देखो उन्होंने उस पर विश्वास किया और ऐसा दिखाई दे रहा था कि ऐसा था, लेकिन परमेश्वर बुद्धिमानों और ज्ञानियों की आँखों को अंधा करने के लिए ऐसा करता है और इसे बच्चों पर प्रकट करता है, ऐसे जो सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जब मैं कुछ समय बाद कुछ बात को लूंगा तो इसके लिए मैंने पर्याप्त बुनियाद को डाला है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इस तेल को देखते हैं, अब जो मैंने आपको बताया है वो बुनियाद यह देखने के लिए कि ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है, मैं इसकी ओर संकेत करूँगा तो ठीक है। अब यहाँ ऊपर आ, ये आवाज थी, और जब उसने खोला तो उसने तुरही की सी आवाज को सुना, और तुरंत यूहन्ना आत्मा में आ गया था, आत्मा में आ गया था, और जैसे ही वो आत्मा में आता है वो चीजों को देखना आरंभ करता है। आप चीजों को देखना आरंभ करते हैं जब आप आत्मा में आ जाते हैं, सबसे पहले आपको आत्मा में आना होगा, क्या ये सही है। अब क्या हो यदि आप गेंद के खेल को देखने जाते हैं और आप कहते हैं मैं निश्चय ही बेसबॉल को पसंद करता हूँ, और आपको सामने की पंक्ति वाली सीट मिलती है ठीक आगे बॉक्स सीट पर, और आप यांकीज या बुलडॉग को देख रहे हैं, जो कोई भी वे खेल रहे होते हैं, और वे सभी वहाँ एक बड़ा खेल खेल रहे होते हैं, और आपके पक्ष के खिलाड़ी बस हारने वाले होते हैं, और अचानक ही आधुनिक बेबी रूथ अपने बल्ले को इस तरह हवा में घुमाता है और कहते हैं आगे उस ओर देखा, सीमा पर तीन लोग हैं, मार झेलना, और वह उसे दृष्टि से ओझल कर देता है, अपनी टोपी को उतार कर और खुद हवा में फेंकते हैं, पहली सीमा पर चलकर जाता है और यहाँ वहाँ उन सारे लोगों को देखता है, दूसरी सीमा पर जाता है, दूसरे सीमा के खिलाड़ी से हाथ मिलाता है, चलकर चुपचाप चलकर ठिकाने पर वापस जाता है, उसके सर को झुक, क्यों, ओह ओह, चीखता है, कूदता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, जीत गए, क्यों, वे, मैंने वास्तव में उन्हें ऐसा करते हुए देखा है। आपको याद है पहले घास फूस की कड़ी टोपी होती थी, मैं एक दिन बेसबॉल के खेल में गया और देखा कि एक व्यक्ति रन मारकर लक्ष्य की ओर पहुंच गया, और ये मनुष्य जो मेरे सामने घास फूस की टोपी लिए बैठा था वह पूरी तरह से उत्तेजित हो गया, अपनी टोपी को निकाल दिया और बस उसे नीचे रख दिया, तब उसने इस तरह से कॉलर को घुमा दिया जहाँ कॉलर का ऊपरी भाग खड़ा हो गया, क्योंकि वह उसके साथ एक बढ़िया समय बिता रहा था, वो अपने आप से इतना बाहर था कि उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, बस लात मारना और हुर्रे कहना और चिल्लाना और कूदना तो ठीक है। अब आप जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, उसके पास निश्चित रूप से वो बेसबॉल को पसंद करता था, वो बेसबॉल के लिए पागल था, बिल्कुल जैसे सिगरेट के पागल होते हैं या विस्की के पागल होते हैं। मैं एक यीशु के लिए पागल हूँ, जी हाँ, मैं बस इसे प्रेम करता हूँ। मैं, यदि आप एक यीशु के लिए पागल बनते हैं, आप देखें किसी चीज के पीछे एक पागल होना, फिर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आदमी कहता है
ओ यकीनन मैं बेसबॉल के लिए पागल हूँ और उसके पक्ष के लोग हारने पर हैं और वे उसे ऊपर आते देखते हैं और इस तरह खेल को जीतते हुए वो यहाँ वहाँ देखता है और हाँ मैं समझता हूँ कि यह ठीक था। वो कहता है बेसबॉल से प्रेम करता है। ओह वह कुछ तो है। आप कहते हैं क्यों? आप इसे पसंद नहीं करते हैं? क्या आप करते हैं? तुम्हारे साथ कुछ तो गलत है। हर एक अच्छा बेसबॉल का प्रेमी कहेगा उस व्यक्ति के साथ क्या गलत है, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसे देखा वहीं बैठा हुआ है। बस ऐसा ही। अब दो को एक साथ रखो। देखो ओह जब आप यीशु के लिए पागल होते हैं और आप महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा उन शब्दों में छिपा हुआ है तब कुछ तो चिल्ला उठता है। ओह आप अपने आपे से बाहर होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये व्यक्ति मुझे क्षमा करेगा। वो यहाँ पास ही बैठा है। वो बड़ा सा लंबा काले सिर वाला व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। वो वहाँ एक रात हॉल के अंदर खड़ा हुआ था और किसी ने कुछ तो कहा। उसे किसी प्रकार की सहायता मिली। आप समझते होंगे उसे इस तरह से आशीष मिली। और उस गरीब लड़के के पास एक भयानक समय था। मैं जानता हूँ कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया और तलाक के लिए मुकदमा दायर किया क्योंकि वो प्रभु यीशु से प्रेम करता था। ये सही बात है। और किसी ने यीशु के बारे में कुछ तो कहा। आप समझते होंगे वो एक प्रकार से उन पागलों में से एक था और वो युद्ध में रहा था और सभी ने गोली से उड़ाया गया और हर एक चीज को वो जो लड़का था उसके लिए दुख सा महसूस हुआ। अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ घर आया। फिर उसने प्रभु से प्रतिज्ञा की कि वो उसकी सेवा करेगा और जैसे ही प्रभु ने उसे आशीष देना आरंभ किया और वो ठीक परमेश्वर के साथ चलने लगा। उसकी पत्नी पीछे हट गई। उस पर तलाक के लिए मुकदमा दायर किया और उसे छोड़ दिया। उसे बाहर ठंड में छोड़ दिया लेकिन वो फिर भी एक पागल था। और जब वो एक रात वहाँ पर खड़ा था और किसी ने यीशु के बारे में कुछ तो कहा, कुछ तो कि वो कितना महान था, तो उसने कहा ओ महिमा हो। उसके हाथों को जोर से पीछे उछाला और यहाँ उसकी मुट्ठी से दीवार को इस तरह से आर पार कर दिया। वो नहीं जानता था कि उसने ऐसा किया है। उसकी मुट्ठी दीवार में आर पार हुई थी। कहा भाई बिल मैं इसके लिए भुगतान कर दूंगा। मैं सोचता हूँ कि भाई वुड नीचे आए और दीवार के टुकड़े को लगा दिया, दूसरा टुकड़ा लगा दिया। इस बात से हमें कोई एतराज नहीं भाई बहन। हमें बस खुशी है कि आप एक मसीह के लिए पागल हैं। देखा जब पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ तो करता है तो आप शांत नहीं बैठ सकते हैं। वहाँ कुछ तो ऊपर उमड़ने लगता है। आमीन। जी हाँ कुछ तो पकड़ लेता है। मसीह के लिए एक पागल। जब आप प्रभु से प्रेम करते हो बस आप में कुछ ऐसा है जो बढ़ने लगता है, झपटता है, भूखा होता है और प्यासा होता है। यीशु ने कहा धन्य है वे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो यहाँ तक प्यासे भी हैं, चाहे आपने पाया हो या नहीं। कितने लोग परमेश्वर से अधिक चाहते हैं? अच्छी बात है तो ठीक है। वो कारण कि आप परमेश्वर से अधिक चाहते हैं, आप बस वही होने के लिए धन्य हुए हैं। यदि आपने इसे नहीं पाया है आप फिर भी धन्य हैं। और धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। आप धन्य हुए हो केवल भूखे और प्यासे होने पर क्योंकि आप इसे चाहते हैं। आप धन्य हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसे नहीं चाहते हैं। एक रात को मैंने उपदेश दिया है, आपको याद है? देखो मूर्ख मनुष्य की तरह उसने बक्से को रखा और उपहार को फेंक दिया। समझे बक्से को न लें, उपहार को लें। तो ठीक है। अब तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन के ऊपर कोई बैठा है। अब ध्यान दें, थोड़ी देर बाद यह हमने इसे कल रात दिया था। मैं सोचता हूँ कि इस सिंहासन के ऊपर हम देखते हैं कि पहले सिंहासन पर कोई भी नहीं था और अब सिंहासन पर कोई तो है। तो इसने दिखाया कि यीशु अपने कलीसिया के साथ आया वहाँ ऊपर महिमा में और उसके अपने सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा हुआ है। ऐसा कलीसिया युग के बाद होता है। अब हम कुछ समय बाद उस बात को लेना चाहते हैं। अब आप कहते हो अच्छा आज उसका सिंहासन कहाँ पर है? अब भाई नेविल यदि मैं उस बात को भूलकर आगे निकल गया तो आप थोड़ी देर बाद मुझसे पूछना उसका आज सिंहासन कहाँ पर है। मैं सोचता हूँ कि इस बात पर आगे जाऊँगा। इस समय उसका सिंहासन कहाँ है? क्या वह अभी अपने सिंहासन पर नहीं है? वो अब अपने सिंहासन पर नहीं है। नहीं श्रीमान। तो ठीक है। अब और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक पत्थर सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के लगभग चारों ओर एक मरकत के समान सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है।
अब आइए अब तीसरा पद लेते हैं आरंभ करने के लिए, और इसलिए यशब या एक जो सिंहासन पर बैठा था उसे देखते, दूसरे शब्दों में जब आपने उसकी ओर देखा तो वो अपने वैभव ऐसी सुंदरता में था, ओह मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते? एक दिन मुझे याद है बहन केडल, बहन हावर्ड केडल, मैं सोचता हूँ आप में से बहुत से लोगों को बहन याद होगी, मैं वहाँ रास्ते के उस पार था और अभी मेरी पत्नी वहाँ बैठी हुई है, वो याद कर रही थी कि उसे कमरे में सर्दी लगी थी और मैं उठ गया था और मेरे पास छोटा सा पुराना यह एक वहाँ पर भट्टी थी जिसके साथ हमने अपने लिए रोटी को ओवन में पाइप में पकाया, और मैं ये बहुत ही ठंड थी और हवा चल रही थी, सर्दियों का समय, जमीन पर बर्फ थी और चिमनी के अंदर हवा जा रही थी, और मैं अपने जीवन को बचाने के लिए उस चीज को जला भी नहीं सकता था, और मैं इसके विषय में बहुत परेशान था, और मैंने चिमनी में कुछ डाला यह इसे फिर से जला देता। बिल्ली को सर्दी लगी थी और पत्नी को सर्दी लगी थी, मैं आग को जलाने की कोशिश कर रहा था, और फिर मैंने रेडियो चालू किया और कुछ मिनट पहले चालू किया और हम तब गर्म होना शुरू हो गए, और बहन केडल गा रही थी, जब मैं उस देश पर पहुंचूंगी वहां दूर एक किनारे पर मैं यीशु को देखना चाहती हूं, क्या आप नहीं चाहते? ओह मेरे प्रभु, मैं बस फर्श के बीच में नीचे बैठ गया और बस वहीं पर बैठा रहा और रोने लगा। आप जानते होंगे कि वह किस तरह से गा सकती है, वहाँ उसकी सचमुच मीठी निकलती चिड़िया की आवाज में, जब मैं सीमा को पार करूँगा वहाँ उस ओर, तो मैं उसे सुनना चाहूंगा जो कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते? मैंने सोचा हे परमेश्वर, हाँ मैं उसे किसी दिन देखना चाहता हूँ, जब सारे फूल वहाँ बिछे हुए होंगे मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, कैसे उसके सिंहासन पर उसे देखने के लिए, उसकी सुंदरता, उसका वैभव, और यदि मैं ओह मैं वहाँ खड़ा होना चाहता हूँ जहाँ योन्ना खड़ा हुआ था, तो मैं बस खड़े होकर और उसकी ओर देख सकता हूँ। यहाँ कुछ समय पहले पीछे गुलामी के समय में मैं यह अपने अश्वेत मित्रों की ओर से कहता हूँ जो आज सुबह यहाँ पर हैं। वहाँ एक बूढ़ा था जो अश्वेत मनुष्य था, और वो एक छोटे से स्थान पर जा रहा था जहाँ वे जाया करते थे, और वहाँ केंटकी में ऐसा किया करते थे, गाते रहते थे। हो सकता है कि मामा कॉक्स और उनको याद होगा कि जब वे जाया करते थे और गाना गाते थे, आप जानते होंगे बाहर घरों में जाते और वे एक ऑर्गन को बजाते, जवान लोगों का झुंड और सारे गाते, ऐसा यहाँ यूटिका में और देश के आसपास के स्थानों में हमेशा किया करते थे। अब वे एक चौथाई गैलन विस्की को लेते, कहीं तो बाहर रॉक एंड रोल नाच की पार्टी को करते हैं, लेकिन बाद में वे स्तुति के गीत गाते, उनमें से एक पुराने इन स्तुति गीतों को गाते। वहाँ एक अश्वेत बूढ़ा भाई था जो बचाया गया था, और प्रभु ने उसे प्रचार करने के लिए बुलाया, और अगले दिन वो यहाँ वहाँ बागान के गुलामों को बताने के लिए चला गया। उसने कहा प्रभु ने मुझे कल रात को बचाया और मुझे अपने भाइयों को प्रचार करने के लिए बुलाया है, और अंत में ये बात वापस पशु फार्म के मालिक या बागान के मालिक के पास गई। उसने उसे अंदर बुलाया और कहा सैम्बो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ। कहा मेरे कार्यालय में आओ। उसने कहा जी हाँ श्रीमान। वो कार्यालय में चला गया। उसने कहा ये क्या है जो मैंने सुना है कि तुम गुलामों के बीच बात को फैला रहे हो, वहाँ उन लोगों के बीच में मेरे हाथ मेरे गुलाम को बताते हो कि प्रभु ने तुम्हें आजाद किया है? कहा जी हाँ श्रीमान। उसने कहा मालिक मैं आपका गुलाम हूँ। उसने कहा मैं आपके पैसे से खरीदा गया था, लेकिन उसने कहा लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने कल रात मुझे आजाद किया, यीशु ने मुझे पाप और शर्म के जीवन से और मृत्यु के जीवन से आजाद किया है, उसने मुझे आजाद कर दिया। उसने कहा सैम्बो क्या वास्तव में तुम्हारा यही मतलब है? उसने कहा मेरा यही मतलब है। उसने कहा मैंने उन्हें यह कहते सुना है कि तुम यहाँ अपने अपने लोगों को प्रचार करना आरंभ करने जा रहे हो बागानों और इत्यादि पर। कहा जी हाँ श्रीमान। कहा मैं यही करने का लक्ष्य रखता हूँ, अपने लोगों को इस सुसमाचार का प्रचार करूं। कहा वास्तव में तुम्हारा ऐसा ही मतलब है सैम्बो? उसने कहा मेरा वास्तव में यही मतलब है। कहा आओ मेरे साथ न्यायालय में चलो, मैं भी तुम्हें तुम्हारी आजादी को देने जा रहा हूं। तुम मुझसे आजाद हो और तुम किसी भी और गुलामी से आजाद हो। मैंने तुम्हें खरीदा था, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं ताकि तुम अपने लोगों को
तू समाचार का प्रचार कर सको। वो वहाँ नीचे गया और आजादी पत्र या घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और वो आजाद हो गया। वो अब गुलाम के रूप में नहीं बिक सकता था। वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक आजाद व्यक्ति था। उसने वर्षों तक अपने भाइयों के बीच प्रचार किया। बहुत से श्वेत लोग उसकी सेवकाई के नीचे परिवर्तित हुए थे। एक दिन वो बूढ़ा मनुष्य मरने पर आता है। उसने 30 या 40 साल या उससे अधिक समय तक प्रचार किया था और जब वो मरने पर आया तो वो कमरे में लेटा हुआ था और उसके बहुत से श्वेत भाई लोग उस कमरे में चारों ओर एकत्र हुए थे और उन्होंने सोचा कि वो लगभग 2 या 3 घंटे के लिए चला गया था। फिर अतः जब वो उठा और कमरे में इधर उधर देखा तो उसने कहा, तुम कहाँ थे सैम्बो? उसने कहा, ओ क्या मैं फिर से यहाँ वापस आ गया हूँ? क्या मैं फिर से वापस आ गया हूँ? उन्होंने कहा, क्या मामला है सैम्बो? कहा, ओ मैं पार होकर दूसरे देश के अंदर चला गया। उन्होंने कहा, हमें इसके बारे में बताओ। उसने कहा, ठीक है, मैं अभी अभी उसकी उपस्थिति में से आया हूँ। और कहा, जब मैं वहाँ पर था उसने कहा, वहाँ एक दूत आगे चलकर आया। उसने कहा, क्या तुम्हारा नाम सैम्बो फलाना फलाना है? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान, यही है। उसने कहा, अंदर आ जाओ। अंदर चल कर गया और मैंने उसे वहाँ पर बैठा हुआ देखा। उसने कहा, सैम्बो अब यहाँ आओ। उसे देखने के बाद मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर आ जाओ। हम तुम्हें तुम्हारा वस्त्र देना चाहते हैं। हम तुम्हें तुम्हारी वीणा देना चाहते हैं। हम तुम्हें तुम्हारा मुकुट देना चाहते हैं। सैम्बो ने कहा, मुझसे वीणाओं, मुकुटों और वस्त्रों के विषय में बातें न करें। कहा, लेकिन तुमने एक इनाम को जीता है। हम तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहते हैं। कहा, बात न करो मेरे बारे, मेरे इनामों के बारे में। कहा, बस मुझे यहीं खड़े होकर उसे 1000 वर्षों तक उसकी ओर देखते रहने दो, यही मेरा इनाम होगा। मैं सोचता हूँ इसी प्रकार हम सभी महसूस करते होंगे, बस मुझे यहीं खड़े होकर और उसकी ओर देखने दो। ओ जो अभी मेरे पास है, तब मेरे पास उससे अलग ही शरीर होगा। तुम्हारा अस्तित्व का हर एक तंतु या रेशा केवल उसकी ओर देखेगा। वहाँ यूहन्ना खड़ा हुआ था और उसने उसे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा और वो यशब और मानिक पत्थर के समान दिखाई पड़ता था। अब बाइबल में सभी चीजों का हर एक शब्द का एक अर्थ है, अब यशब और मानिक पत्थर। अब यदि आप ध्यान दें तो इसकी तुलना बाकी के वचनों से की जाती है। वचनों के पिछले भागों में वो अल्फा ओमेगा था, वो आदि और अंत था, वो पहला और अंतिम था, वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा था, वह सब कुछ था जो उसी में इकट्ठा हुआ था। मत्ती 17 यह दिखाता है कि वो वहाँ रूपांतर पर्वत के ऊपर ये सब उसमें एकत्र हुआ था। अब यशब एक पत्थर था और मानिक एक पत्थर था। अब हम थोड़ी देर बाद उनके रंगों को ले लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि हर एक पूर्व धार्मिक पिता जब वे जन्मे थे, जी हाँ, हर एक व्यक्ति के पास जन्म का पत्थर होता था। मेरा, मैं अप्रैल में जन्मा था। हीरा और अलग अलग महीने अलग अलग पत्थरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ठीक है, उसी तरह से पूर्व धार्मिक पिता थे। हर बार जब एक पूर्व धार्मिक पिता जब उसका जन्म हुआ था तो उसके पास जन्म का पत्थर होता था। और बस यहीं रुकते हैं कुछ क्षण के लिए। जब वे इब्रानी माताएं, मैं आपको एक दैविक वचन से दिखाऊंगा मित्रों, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन में पक्का हो जाए। हर एक समय वे इब्रानी माताएं जब वे प्रसव पीड़ा में थी, प्रसव पीड़ा में जा रही थी जन्म देने के लिए, इन बालकों को जन्म देने के लिए वही शब्द जो उसने अपने जन्म में कहे थे, वो नाम उस पुरुष को देते थे, वो बालक जो उससे जन्मा था उसका नाम, और उसे फिलिस्तीनी स्थान में रखा गया जहाँ पर वो प्रभु के आगमन पर होगा। इस माँ में जो प्रसव पीड़ा होती है, जैसे अप्रेम का अर्थ है समुद्र के किनारे, समझे, और अप्रेम को उसका बहुत कुछ समुद्र के किनारे दिया गया था। और कहा, यहूदा का मतलब, मुझे नहीं पता इस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन मैं इसे ले सकता हूँ। अब देखिए, यही मेरे पास समय नहीं है ये छोटी छोटी चीजें, उन चीजों को लेने के लिए, लेकिन फिर पीछे जाएं और यहूदा, जहाँ कहीं भी यहूदा का अर्थ लिखा हुआ है, उसके मतलब अनुसार इज़राइल के बच्चों के बीच उसे उस स्थान में रखा गया। और उत्पत्ति 48:49 को ले तो आपको वहाँ मिलेगा कि वहाँ याकूब जब वो मर रहा था, उसकी लाठी के सहारे झुका हुआ था, अंधा, उसने उन बच्चों के स्थान के अनुसार बताया कि
कि वे संसार के अंत में कहाँ होंगे, और वे ठीक अभी उसी स्थान में स्थित हैं जब से वे अपने देश में वापस चले गए हैं। यूसुफ को बताया, तू शहरपना के पास फलदाई दाख लता है, देखो कुएं के पास जल, वो वहाँ पर चला गया। उसने कहा, तुमने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा किया है, तूने अपने धनुष को बलवंत बनाया है संयुक्त राष्ट्र, देखा प्रभु में, लेकिन किसी दिन वह दाख लता शहर पना पर वापस आने लगी थी, और वहाँ पर वो है, ठीक अभी वहीं पर है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जो उसने लगभग 3000 वर्ष पहले कहा था, ठीक वापस घूमते हुए, अप्रेम से कहा कि वो अपने पांव को तेल में डुबोए हुए है, और अप्रेम ठीक वहीं बस गया जहाँ तेल के बड़े बड़े कुएं हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही। उन लोगों की पुकार उन नश्वर लोगों पर क्या था, परमेश्वर उनके तत्वों को लेते हुए और उनमें से चलते हुए ऐसे दिखा जैसे जब रोमन साम्राज्य ने उन्हें तितर बितर कर दिया, जब दूसरों ने उन्हें तितर बितर कर दिया, जब हिटलर ने उनसे घृणा की तो हजारों गुना हजारों उसने उनकी नसों में बुलबुले दागे और वे मर गए। आप उनके शरीर को उनके बच्चों के साथ चार दीवारी पर लटका हुआ देख सकते थे, और बाकी सारी चीजें और हड्डियां, और उन्हें उठाया और उनकी हड्डी से खाद बनाई, बस उन्हें वहां से लेते और उन्हें गोली मारते, उन्हें गाड़ियों में डाल देते, फिर उन्हें बाहर निकालते, जिस समय जब वे उन्हें बाहर निकालते हैं तो यहां तक गाना शुरू कर देते थे, मसीहा आएगा और फिर से दाग के लहू को पिएंगे। जब वे जाने पर होते मरते हुए वे यहूदी, तब वे वहां से चले जाते जानते हुए जरा सी और धड़कन चालू है और उनका हृदय बंद हो जाएगा, और वे जाते हुए गाते रहते, हम जल्द ही मसीह को देखेंगे, ओह प्रभु उनकी हड्डियों में से खाद बनाते। आप में से बहुत से सैनिक जो यहाँ हैं इसे जानते होंगे और इसे देखा होगा, मैं वहाँ उन मैदानों पर खड़ा था जहाँ पर उन्होंने उन्हें और बाकी हरेक को जला दिया, वहाँ हिटलर और उन लोगों ने और स्टालिन और रूस और उन सभी को देखो, उन्होंने उसी काम को किया, ये सही बात है। लेकिन वो यहूदी मामला क्या था, उन्हें अपने देश में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया था, वही है जहाँ पर वे खड़े हैं। अब मैंने वो बेहतरीन फिल्म देखी है मध्य रात्रि से पहले 3 मिनट, जब वे यहूदी देश में आए और वे उनसे पूछ रहे थे कि तुम अपने देश में मरने के लिए क्यों लौट रहे हो, कहा हम मसीहा को देखने आए हैं, आमीन, हम अंत समय पर हैं। उन बच्चों में से प्रत्येक जब उनका जन्म हुआ था उनके पास एक जन्म का पत्थर था, और जब हारून जो उन बच्चों में से हर एक बच्चे के ऊपर महायाजक था, उसके छाती के ऊपर एक पटुका था जो उसके वस्त्र के ऊपर था, यही है जिस पर मैं कुछ समय तक रुके रहना चाहता हूँ, जिससे कि इस 6वें पद में जा सकूँ, क्योंकि यह पुराने नियम के हर एक चिन्ह या प्रतीक को ठीक वहाँ इसके अंदर लाता है। हर एक पुराने नियम का सारा सामान और हर एक चीज उसी का एक नमूना था जिसे स्वर्ग में देखा गया था, वापस मानव जाति के लिए प्रतिछाया को दिखाया। और यहाँ हारून की छाती का पटुका है, वो महायाजक था, ध्यान दें, प्रत्येक गोत्र के जन्म के पत्थर को वहाँ पटुके में प्रतिनिधित्व किया गया था, एक एक जन्म का पत्थर वहाँ उसका पत्थर था, अप्रेम का गोत्र, मनशे का गोत्र, गाद का गोत्र और बियामिन का गोत्र, सबका प्रतिनिधित्व यहाँ हुआ था। और इस तरह फिर वे उन जन्म के पत्थरों को लेते हैं, वे सुंदर रत्न, और इसे इस तरह से स्थान पर लटका देते। और यदि कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है और वो सही दिखाई देती है या नहीं, तो वे उसे इस उरीम तुम्मीम के पास ले जाते और उसे उसकी भविष्यवाणी को उसे बताने के लिए कहते। यदि वहाँ उस पर एक पवित्र प्रकाश आता है और इन पत्थरों को एक साथ चमकाना आरंभ करता है, तो ये परमेश्वर बोल रहा था, यह सारे गोत्र के लिए था, उन सभी के लिए, हर एक गोत्र के लिए। अब इन पर पहला पत्थर, पहला, कितने लोग जानते हैं कि पहला बालक कौन था, उसका नाम क्या था, रूबेन, तो ठीक है, आखिरी बालक कौन था, बियामिन, ये सही है, रूबेन का जन्म का पत्थर यशब था, बिन्यामिन का जन्म का पत्थर मानिक था, उसे उस पर रूबेन और बिन्यामिन की नाई देखना था, पहला और आखिरी, वो जो था जो है और आने वाला है, उसने यूनानी अक्षर वर्णमाला में अल्फा ए था, यूनानी अक्षर वर्णमाला में ओमेगा जेड था, वो पहला और अंतिम था, वो बिन्यामिन से रूबेन तक था और रूबेन से
बिन्यामिन तक था। ओह प्रभु, वहाँ वो था, यशब पत्थर और मानिक पत्थर की नाई, उस पर देखो वो इस सिंहासन पर बैठा हुआ था। किस तरह से आप सब उसे उसकी महिमा पर बैठे हुए देखना चाहते हैं? आइए हम प्रकाशित वाक्य 21:10 में ठीक जल्दी से खोलेंगे और यहाँ बस उसे देखें। तो ठीक है, 21:10-11, और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मुझे बड़े नगर को दिखाया, पवित्र यरूशलम, स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता हुआ, परमेश्वर की महिमा उसमें थी, परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। उसकी ज्योति वो उज्याला, उज्याला कौन है? और उस नगर को सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मेमना उसका उज्याला है। यशब मानिक पत्थर परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह है, यीशु मसीह की महिमा उसकी कलीसिया है। और वो पहला था, वो क्या था? वो समय का आरंभ था, वो समय का अंत है, वो पूर्व धार्मिक पिता में सबसे पहला था, वो पूर्व धार्मिक पिता में से अंतिम है, वो कलीसिया था जो कि वो आत्मा जो एफिसियंस की कलीसिया में था, वो लोदकिया में कलीसिया की आत्मा है, वो पहला और अंतिम है, ए से लेकर जेड है, प्रथम आखिरी, वो जो था और आने वाला है, दाऊद का मूल और वंश, सुबह का तारा, घाटी का शोषण, शारण का गुलाब है। ओह, बाइबल में 400 और ऐसे ही कुछ शीर्षक हैं जो उससे संबंधित हैं। जरा इसे सोचें, वो क्या था? और फिर भी वो दीनहीन प्रभु यीशु था जो एक चरनी में परमेश्वर की स्तुति के लिए जन्मा था। जो कोई भी नम्र है इसे देखें, क्योंकि यह सही है। जो कोई भी बड़ा है वो एक रूढ़िवादी व्यक्ति है, तो उस पर ध्यान न दें। देखो ये हवा से भरा है और इसमें कुछ भी नहीं, तो ठीक है। अब उसे उस पर यशब और माणिक पत्थर की नाई देखना था। आइए पीछे जाएं। क्या आप हमारे पास थोड़ा समय है? क्या हमारे पास समय नहीं है? हमारे पास अभी भी लगभग 40 मिनट हैं। आइए ध्यान दें, आइए हम पीछे यज्ञकेल 1 की ओर जाएंगे, बाइबल में पीछे पुराने नियम में जाएं यज्ञकेल की ओर, और आइए यहाँ से पढ़ें जहाँ यज्ञकेल ने भी उसे देखा था। और अब इन वचनों की तुलना करें और देखें कि हम कहाँ पर हैं। यज्ञकेल पहला अध्याय, तो ठीक है, अब कुछ क्षण के लिए पढ़ते हैं। अब मैं पहले 5 पदों को पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। मैंने यहाँ 26 से 28 तक चिन्हित किया है, लेकिन आइए अब यज्ञकेल भविष्यवक्ता के पहले अध्याय के पहले पदों को पढ़ें, तो ठीक है। और ऐसा हुआ कि 30वें वर्ष के 4वें महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था। क्या यह सही है? कबार, CHEBBR, कबार। और आकाश खुल गया, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर का एक दर्शन पाया। और इसमें अब देखें, यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4वें महीने के 5वें दिन को यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यज्ञकेल याजक के पास पहुंचा, उस देश में, कसदियों के देश में, कबार नदी के तीर पर, और यहोवा का हाथ उस पर था। और मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। यहाँ इस भविष्यवक्ता को देखना, मसीह के आने से 595 वर्ष पहले, देखे कि उसके दर्शन की तुलना यूहन्ना के साथ कैसे की जाती है। उत्तर दिशा से बड़ी घटा, एक बड़ा बादल और लहराती हुई आग, और लगभग चारों ओर प्रकाश था, और उस आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ अग्नि में रंग का सा कुछ दिखाई देता था। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, और यह उनका रूप था, और उनका रूप मनुष्य के समान था। ध्यान दें, परमेश्वर की आत्मा का रंग जो इन 4 जीवधारियों की समानता से ऊपर था, वो अग्निमय रंग था। अग्नि में पीले हरे रंग का होता है। अब देखो, पीला हरा,
अग्नि में। ओह, वो एक सा है। कल उसने यज्ञ पर स्वयं को प्रकट किया। यज्ञ के दर्शन के बीच में ये प्रकाश जिसे उसने चार जीवित जीवधारियों के ऊपर आते हुए देखा था, वो पीले हरे रंग का था। तब वो योन्ना के पास आया, वो मरकत रंग में प्रकट हुआ, ये भी पीले हरे रंग का है। वो अब पीले हरे रंग में प्रकटकर्ता के पास आता है, वो हमारे पास पीले हरे रंग के प्रकाश में आता है। उस प्रकाश में चलो, वो ही प्रकाश है। आइए अब 26वें पद पर जाएं, जिससे कि हम 28वें पद को पढ़ सकें। 26वां पद, और वो ऊपर। ओ, जब आप घर जाएं, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे चिन्हित करें और उसका हर एक अंश पढ़ें, समय बचाने के लिए। और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, जैसे पत्थर के समान था, मानो कुछ नीलम पत्थर का बना हुआ था। और इस सिंहासन के ऊपर जो मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, वो मनुष्य का पुत्र था। देखो मसीह। अब देखो वो कैसा था, उसे यहाँ कैसे व्यवस्थित रखा गया था। और मुझे अग्निमय रंग का सा दिखाई पड़ा, देखो इस मनुष्य के पुत्र के चारों ओर, और उसके लगभग भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी, कमर से लेकर नीचे की ओर। सुनना, आत्मिक बने, समझदार बने, और यहाँ अपने हृदय में, मैं आपको यीशु के नाम से अनुरोध करता हूँ, इसे अपने ही पास रखें, लेकिन बस याद रखें कि कितना धन्य है। मैं आइए 27वें पद में फिर से आरंभ करें। हर एक जन सुनना, अब अच्छी तरह से समझना। और मुझे अग्नि में रंग सा दिखाई पड़ा, यह पीला हरा होता है, उसके लगभग भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। यह अग्नि में हरे रंग की चारों ओर आग थी। अब कमर से लेकर ऊपर की ओर भी, उसकी कमर से ऊपर की ओर और उसकी कमर के ऊपर से नीचे की ओर, मैंने देखा कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और लगभग उसके चारों ओर प्रकाश था, चारों ओर आग, जैसे वर्षा के दिनों में बादल में धनुष और रंग में दिखाई पड़ता है, वैसे ही लगभग चारों ओर प्रकाश दिखाई देता था। ये ऐसा ही दिखाई पड़ता था, और समानता और यहोवा की महिमा थी। और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। देखो, क्या आप तैयार हैं? सुनना, इसे अब अपने पास रखना, बस याद रखें, आपको बताने के लिए। जीन, आप इस टेप को रोक सकते हैं। सुनना, नहीं, मुझे इस टेप को वहाँ रोकने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। मेरा मतलब है कि बस टेप में रखें, इसे कलीसिया के लिए अनुमति दें, इसे ध्यान देना अब, जिससे कि आप जान सकें कि प्रकाश का रंग जो प्रभु के पास है, और प्रभु का प्रकाश जो प्रभु के साथ जाता है, और यह प्रभु के नाई है, वो अग्नि में है, पीला हरा है। यह प्रकाश का वही रंग है जो आज हमारे साथ है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने इसका चित्र लिया है, पीला हरा अग्नि में। जब एक छोटा लड़का और मैंने इसे पहली बार देखा था, आपको याद होगा जो यहाँ पर पुराने समय के लोग हैं, मैंने हमेशा आपको बताया था इससे पहले कि उस वास्तविक तस्वीर को लिया गया, ये पीले हरे रंग का था जो अग्नि में है। अब आपको ये बताने के लिए कि प्रभु की आत्मा, उसने कहा जब उसने उस जीवित जीवधारियों की कमर पर से देखा जो उसकी उपस्थिति में खड़ा था, उसकी कमर से ऊपर की ओर आग की नाई था, उसकी कमर से नीचे की ओर एक प्रकाश था जो प्रकाश से ढका हुआ था, और उसके चारों ओर मेघधनुष के समान बहुत से रंग थे। क्या ये सही है? मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, परमेश्वर अब भी उन्हीं रंगों में मौजूद है, कमर से ऊपर की ओर आग, अग्नि में रंग। एक चलचित्र कैमरे से तस्वीर को लिया गया, या एक रंगीन कैमरे से लिया गया था, कमर से ऊपर अग्नि में
कमर से नीचे और हर कहीं से बारिश के बाद जैसे आकाश में मेघधनुष में बहुत से रंग होते हैं, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। पवित्र आत्मा अब भी अपनी सामर्थ्य में है, इस अंतिम दिनों में अब भी उसकी कलीसिया में है। वहाँ है आप, मैं नहीं, मैं तो बस वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन यह तो एक तस्वीर थी जो ली गई थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखें, ठीक वही जो यशकेल ने देखा था, वही रंग, उसी तरह से और उसी तरह से कार्य को किया और उसी तरह से जीवधारियों को पवित्र कर रहा है। यह क्या है? जीवधारी कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, कलीसिया जो मसीह के सामर्थ और पुनरुत्थान के द्वारा जी रही है। उन्हीं अग्निमय रंगों ने इसे कमर के ऊपर की ओर, कमर से नीचे की ओर तक ढका है। वहाँ अब और कोई अनुमान लगाना नहीं है, विज्ञान ने तस्वीरों को लिया है। उनके रंगों की ओर देखें, वहाँ पर अग्नि के रंगों की ओर देखें, समझे, मेघधनुष इस पीले मरकत रंग को देखें। अब इस कैमरे पर यह बस एक निष्कपट फोटो खींचने वाले का कैमरा था। इस कैमरे पर रंगीन तस्वीरें, कोडाक्रोम रंग निकलता था। वहाँ मरकत के रंग को देखें। यदि मैं इसे एक रोशनी के ऊपर कहीं तो ले जा सकता, जहाँ आप इसके पीछे देख सकते हैं, क्या आप अब देख सकते हैं? एक मेघधनुष की तरह, मेघधनुष की तरह आगे और पीछे आती हुई धारियों को देखे। हर एक का एक भिन्न भिन्न रंग है। हम कुछ ही मिनटों में उस बात पर जाने वाले हैं, वे कौन से रंग हैं और वे क्या प्रतिबिंब करते हैं। ओह, ये मेरे दीन हृदय को खुशी से उछलने को लगाता है, और ये जानकर कि इस दिन में जिसमें हम रह रहे हैं वो मसीह, जबकि अन्य सारी जमीन धसती हुई रेत है, अन्य सारी भूमि। मैं सोचता हूँ मैं इसे क्यों नहीं बता सकता हूँ, मैं संसार को इसे देखने के लिए क्यों नहीं लगा सकता हूँ। संसार का इसे देखना मैंने नहीं रखा था, संसार इसे नहीं देखेगा, वे इसे कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन कलीसिया को अब तक का सबसे जबरदस्त हिलावट का सामना करना पड़ रहा है। उन दिनों में वे इसकी एक तस्वीर को नहीं ले सकते थे, वे अब तस्वीर को ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें यांत्रिक उपकरण इकाइयां मिल गई हैं। वे लोग जो परमेश्वर को नकारने के लिए यांत्रिकी को लेने की कोशिश कर रहे हैं, वे ठीक वापस आते हैं और साबित करते हैं कि एक परमेश्वर है। यह सही है, मरकत। अब आपको याद है, मैंने इसे कभी नहीं बनाया, मैं इसे ठीक आपके लिए बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। देखो, जैसा कि मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि यह वही प्रभु परमेश्वर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए 27वां पद, और मैंने देखा अग्नि में रंग का आग का सा दिखाई पड़ता था। देखो, जैसे धधकती आग का दमकना, समझे, अग्नि में रंग जो आग में से आ रहा है, क्या आप इसे अब देखते हैं? अग्नि में ये आग से आने वाला अग्नि में रंग है। यहाँ आगे यह कहता है, और एक धनुष सा दिखाई दिया, या एक मेघधनुष की तरह, बारिश के बाद के दिनों में मेघधनुष बारिश के बाद के दिनों में दिखता है। और वहाँ पर एक जीवित जीवधारी था, योहन्ना ने जो प्रतिनिधित्व किया, संपूर्ण कलीसिया ऊपर उठा ली गई। मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति यहाँ एक दर्शन में संपूर्ण मसीह की देह को प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब देखो, और मैंने देखा अग्नि में रंग का आग सा दिखाई पड़ता है, इसके साथ और उसका रूप, फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर ऊपर की ओर भी, और यहाँ तक उसकी कमर से नीचे की ओर, मैंने देखा कि यह आग सा दिखाई पड़ता था। देखो, आग के छिड़काव की ओर देखो, किस में से, मेघधनुष, सात रंग। अब देखो, वहाँ बिल्कुल ठीक सात रंग है, और मेघधनुष के सात रंग होते हैं। मैंने देखा कि यह आग सा दिखाई पड़ता था, और इसके चारों ओर लगभग प्रकाश था। एक धनुष किनाई दिखाई पड़ता था, जो वर्षा के दिन बादलों में होता है, उसी प्रकार चारों ओर लगभग प्रकाश दिखाई पड़ता था, परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर। देखो, यह प्रभु की महिमा की समानता का सा दिखाई पड़ता था। प्रभु नहीं, अब प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा उसकी कलीसिया के ऊपर ढाके हुए है, क्योंकि वो अपनी कलीसिया में है। आमीन।
ओह, यह मूर्खों के लिए मूर्खता पूर्व दिखाई पड़ता है, लेकिन यह उनके लिए कितना महान है जो विश्वास करते हैं। यह प्रभु की महिमा की समानता का सा दिखाई पड़ता था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। अब वो आगे बढ़कर और बताता है कि उस दर्शन का क्या मतलब था, जिसे आज सुबह उस बात को लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अब ध्यान दें कि प्रभु अपनी महान दया से हमें ये चीजें किस तरह से देता है। अब आइए एक और को लेते हैं। यशकेल और यूहन्ना दोनों ने उसे उसके रंगों और प्रकाश के रहस्य में देखा और इसे अग्नि में रंग कहा। बाद में यूहन्ना, आप जो लिखते हैं, आप जो वचनों को लिख कर रख रहे हैं, ये पहला यूहन्ना 1:5-7 है। यूहन्ना बाद में और वो पतमोस टापू पर लगभग 3 वर्ष तक था जब उसने किताब लिखी थी। जब वो वापस आया तो वो उसके 90 और कुछ वर्ष का एक बूढ़ा मनुष्य था। पहला यूहन्ना 1:5-7 उसने कहा, परमेश्वर प्रकाश है। यूहन्ना के पास एक अनुभव था, उसने उसे देखा था और वो जानता था कि वो प्रकाश था। प्रकाश अनंत प्रकाश था, जगत संबंधी प्रकाश नहीं, ना ही बत्ती का प्रकाश, ना ही विद्युत प्रकाश, ना ही सूर्य का प्रकाश, लेकिन अनंत प्रकाश। ओह, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। परमेश्वर प्रकाश है। ध्यान दें, हम अब वापस आरंभ करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं। अभी तक तीसरे पद पर हैं। क्या हम नहीं हैं? क्या हम इसे ले लेंगे? मैं आशा करता हूँ। तो ठीक है, वो यशब और माणिक पत्थर सा दिखाई पड़ता है और उस सियासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, पीला हरा। अब मेघधनुष, आप ध्यान दें कि यह एक मेघधनुष था। आइए पीछे उत्पत्ति 9 में जाएंगे और देखेंगे, उत्पत्ति 9:13 में, और हम यहाँ पीछे मेघधनुष को देखते हैं जब पहली बार एक मेघधनुष दिखाई दिया था। उत्पत्ति 9वां अध्याय और हम 13वें पद से आरंभ करेंगे। उत्पत्ति 9:13, क्या आप सभी इसे पसंद करते हैं? ओह, मैं इसे प्रेम करता हूँ। मैं इसे केवल पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसे प्रेम करता हूँ। देखो, कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो चिन्ह होगा, देखो मेरे और धरती के बीच में की वाचा का। किसकी? मेरे और नूह के बीच? नहीं, मेरे और धरती के बीच। और यह पूरा होगा जब मैं धरती के ऊपर बादल को फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, और मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा जो मेरे और तुम्हारे बीच है। अब वो उसके बीच और अपनी वाचा में वापस आता है, लेकिन मेघधनुष वाचा, देखो वाचा नूह के लिए जीवन था जिसने उसे बचा कर रखा, लेकिन जो वाचा परमेश्वर ने स्वयं के साथ बांधी वो एक मेघधनुष था कि वो नहीं। अब एक मिनट में आपको दिखाऊंगा कि नूह की परमेश्वर के साथ वाचा क्या थी, लेकिन यहाँ पर ये परमेश्वर की स्वयं के साथ वाचा थी। आमीन। एक मेघधनुष। अब हम पाते हैं कि एक वाचा तब एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह। परमेश्वर ने कहा कि ये यहाँ एक टोकन था, क्या उसने नहीं कहा? देखा, मैंने रखा है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। ऐसा दुनिया के विनाश के बाद होता है, जल से नष्ट करने के बाद। नूह को छोड़कर सभी मानव देह नष्ट कर दिए गए थे, और यह मेरे और धरती के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, ना ही मेरे और दुनिया के। दुनिया एक विश्व व्यवस्था है, समझे, लेकिन यह मेरे और धरती के बीच की है। परमेश्वर ने कहा, मैंने उस धरती को बनाया है और मैंने उससे इतनी बुरी तरह से व्यवहार किया कि मैंने उसे उल्टा कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और हो सकता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कहा, मुझे यहाँ तक खेद भी था, यह क्या ही भयानक बात थी। आप क्या सोचते हैं कि जब वह अपने क्रोध में आएगा तो क्या होगा? सही कर लो पापी दोस्त। क्या आप यह विश्वास करते हैं? मैं इससे प्रेम करता हूँ, क्या आप नहीं करते?
मैं ऐसा नहीं होना चाहता कि आप चाहते हैं, नहीं श्रीमान, बैरी होना या उसके लिए बैरी बनना उसके साथ होना ही बेहतर है, लेकिन उसके विरोध में होना, भीतर से बेदाग रहो, देखते रहो और उस नजारे की प्रतीक्षा करते रहो, वो फिर से आ रहा है। अब एक वाचा किस बात का चिन्ह है, किस बात का चिन्ह, एक बलिदान का जिसे स्वीकार किया गया है। अब उत्पत्ति 8:20-22 को लेंगे, अब उत्पत्ति 8:20-22 तो ठीक है, ये ठीक पूरे पन्ने पर है। और तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं को लिया और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया, और इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, और प्रभु ने उसके हृदय में सोचा कि मैं फिर कभी भूमि को शाप मनुष्य के कारण न दूंगा। यद्यपि उसके मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है तो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। और अब हम अंतिम पद को पढ़ सकते हैं, और अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। एक वाचा, वही चीज यूहन्ना ने देखा, यीशु परमेश्वर ने वाचा को स्वीकार किया जो आकाश के चारों ओर थी, और लगभग उसके चारों ओर एक मेघधनुष था, लगभग उसके सिंहासन के चारों ओर दिखने में एक मरकत रंग जैसा था, अग्नि में हरा प्रकाश जो सिंहासन के चारों ओर था। परमेश्वर की स्तुति हो। देखो, नूह की सबसे पहले रचना, नूह के मेघधनुष की रचना सबसे पहले सात रंगों की थी। हर कोई जानता है कि मेघधनुष के सात रंग होते हैं। अब रंग क्या है? लाल, नारंगी, बैंगनी, नहीं, लाल, नारंगी, हरा, नीला, नील रंग का और बैंगनी, यही मेघधनुष के रंग है। अब हमारे पास यहाँ एक गहरी बात है, और मुझे बस इसके प्रमुख बिंदुओं को बताना होगा क्योंकि बहुत देर हो रही है। अब याद रखें, नारंगी या लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील रंग का, बैंगनी। अब यदि आप ध्यान दें, सात है, ध्यान दें, सात मेघधनुष, मेरा मतलब है सात रंग का मेघधनुष, इसका मतलब सात धनुष, सात कलिसिया, सात प्रकाश को प्रतिबिंब करते हैं। हर एक प्रकाश दूसरे के अंदर लिपटा हुआ है। ये लाल से शुरू होता है, लाल के बाद नारंगी आता है जो कि लाल का प्रतिबिंब है, नारंगी के बाद पीला आता है जो लाल और नारंगी को एक साथ मिलाकर पीले को बनाता है, उसके बाद हरा और नीला काले को बनाता है, उसके बाद नील रंग का आता है, और फिर नील रंग से बैंगनी आता है जो नीले रंग का भाग है। हालेलुया, क्या आप देखते हैं? परमेश्वर उसके सात रंग के मेघधनुष में है, उसकी वाचा जो उसने बनाई, एक वाचा जो कि सात कलीसिया युगों, सात रंगों में से होते हुए कि वो धरती को बचाएगा। वो क्या करेगा? याद रखें, उसने इसे धरती के साथ किया, उसके रंग, लेकिन अब देखिए, ये मेघधनुष केवल क्षितिज रूप से केवल ढाकता है एक धनुष में आधी धरती को। यही सब नूह के मेघधनुष के रंग हैं, केवल जो केवल आधी धरती को ढाके हुए हैं। यह एक धनुष आकार या अर्ध गोलाई में था, बस इतना ही आप देख सकते हैं। लेकिन जब यूहन्ना ने उसे उसके मरकत के रंग में देखा तो उसने परमेश्वर के पूरे सिंहासन को घेरा हुआ था, आधा अभी तक कभी नहीं बताया गया था, उसने ढाका हुआ था। वो केवल धरती पर सिर्फ अर्ध गोलाई को बनाता है, ये केवल उसका आधा ही है, यही वो कलीसिया युग है। लेकिन जब यूहन्ना ने उसे इस अग्नि में रंग में देखा, अग्नि में रंग, तो वो एक गोलाकार तेज प्रकाश की तरह चारों ओर से घिरा हुआ था, एक गोलाकार तेज प्रकाश, अग्नि में रंग का एक गोलाकार तेज प्रकाश, इसने उसके अस्तित्व को घेरे हुए था।
देखा, एक रंग सभी के ऊपर, एक परमेश्वर सभी में से होते हुए और सभी में, लेकिन वहाँ सात कलीसिया युग हैं। एक महान हीरे को देखें, अक्सर उन्हें ढूंढा जाता है। आप उन्हें अफ्रीका में सड़कों पर पड़ा हुआ पा सकते हैं। आप एक को भी लेकर रखने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि इसे काटा नहीं गया है। आपको एक हीरा मिलता है जो कटा हुआ नहीं है, तो वे आपको इसके लिए ठीक तभी दंड लगाएंगे और आपको इसे रखने के लिए आजीवन की सजा देंगे। आपको मिलता है तो जैसे ही आपको ये मिलता है, इसे वापस वहीं इसमें रख देना है। अब वे इस हीरे को लेते हैं। ओह, यह एक कड़क चीज होती है। मैंने देखा है कि एक बड़ा 40 टन का पीसने का उपकरण इस तरह से खड़ा होता है। वे वहाँ उस नीले पत्थर को इसमें डालते हैं, उसे हर तरह से मसला जाता है। वह उस बड़े पत्थर को राख की तरह पीस देता है, लेकिन वो उस हीरे को नहीं मसल पाएगा। वो 40 टन एक कुंडे पर लटका हुआ होता है, यहाँ ऊपर उनके साथ बड़े दांतों वाले पहिए पर इस तरह से गोल गोल लुढ़कता है। बस उस बड़े पत्थरों को टुकड़ों में मसलते हैं, लेकिन एक हीरा सीधे इसमें से होकर जाएगा। यह उस 40 टन ढलाई से आगे जाएगा। ओह, जब ये पीस कर बाहर निकलता है और एक छलनी के जरिए से नीचे आता है, अन्य छलियों से छानबीन कर नीचे आता है, नीचे धुलाई होती है और फिर अंत में सरकती हुई लंबी पट्टी पर चला जाता है। उस बड़े किम्बरली डायमंड माइंस के प्रबंधक, जो पंक्ति में वहाँ मेरे संचालकों में से एक थे, बहुत ही नम्र प्यारे भाई हैं। और फिर उस पानी के ऊपर लगभग 3 फीट तक, जहाँ यह हीरा धकेला जाता है, वहाँ कास्मोलिन पदार्थ को डाला जाता है। आप जानते हैं, आप इस वस्तु को क्या कहते हैं, वो मेडा, वो क्या है जो हमारे पास वहाँ अलमारी में बर्तन में रखा हुआ है, वैसलीन। और हम उस वैसलीन को लगभग 1 इंच की गहराई में यहाँ ऊपर चिकनी सतह पर डालते हैं और ये नीचे आता है। और ध्यान दें, हर बार जब वो बड़े पत्थर ऊपर आते हैं तो ये उस वैसलीन से सीधे लुढ़क जाएंगे, लेकिन जब कोई हीरा उसके ऊपर आ जाता है तो ये चिपक जाता है। एक हीरा सूखा होता है और वह उसी पर चिपक जाएगा। मैंने उन्हें ऊपर उठाते हुए देखा है, यहाँ तक कि छोटे छोटे टुकड़े भी, और उन्हें आंखों पर चश्मा पहनकर अलग करते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि वे इसे ऐसा किस लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वे उन टुकड़ों को अमेरिका को बेचते हैं, जिससे वे उनकी विक्ट्रोला की सुइयां और इत्यादि बनाते हैं। वे घिसेंगी नहीं, देखो, लेकिन वे बड़े हीरे, अब वे वहाँ पर हैं, बस एक बड़ा गोला। लेकिन जब वे उन्हें लेते हैं और बिजली की मशीनों को लेते हैं और उन्हें काटते हैं और एक कटा हुआ हीरा बनाते हैं, उसके बाद जब वे इसे काटते हैं तो ये इसके कैरेट के अग्नि में रंगों को प्रतिबिंबित करता है और यह 7 रंगों को भी प्रतिबिंबित करेगा। ओ, वह किस तरह से यीशु, ओ, आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, आपके पास कैडिले की एक फ्लिट गाड़ी हो सकती है, आप किसी बहुत बड़े मुर्दाघर, मतलब किसी आराधनालय के पास्टर हो सकते हैं, आप एक बिशप या आर्क बिशप हो सकते हैं, लेकिन ओ भाई, जब आप उस रत्न को, उस हीरे को देखते हैं, एक मनुष्य अपनी सारी संपत्ति को बेच देता है, बाकी का सब कुछ दे देता है। सोई हुई कुंवारी की ओर देखो, ओ, उसने क्या किया, उसे अपने लिए तेल खरीदने के लिए कुछ बेचना था। उसे क्या बेचना था, उसके पुराने संस्था और संप्रदाय और इत्यादि को। उसने मसीह को पाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। मसीह जो महान रत्न है, यीशु वो शरीर, मेरे पास स्वर्ग जाने का टिकट है। जब ट्रेन आती है इन अंधेरी सुबहों में से एक सुबह, ओ क्या ही आशीष होगी, ओ बहुमूल्य है जो बहता है, जो मुझे हीन सा सफेद बनाता है। मैं कोई और सोता नहीं जानता, कोई नहीं सिवाय यीशु के लहू के, ना ही लोकप्रियता, ना ही कोई बड़ी चीज, नहीं कुछ भी नहीं, कोई धन दौलत नहीं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस मुझे वह बहुमूल्य धारा दे दो, बस इतना ही। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं जो मैं लाऊं, बस तेरे क्रूस से मैं चिपकता हूँ। वो महान रत्न, ये क्या था, ये सिद्ध था, ऐसा 33.5 वर्ष की उम्र में था जब परमेश्वर ने इसे बड़ी तराशने वाली मशीन में से होकर जाने के लिए डाला। जब वो इसे वहाँ पर लेकर गया और इसे आकार देना आरंभ किया, उसने इसे काटा, उसने उसे मसला, उसने उसे कुचला, उसे हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म हेतु कुचला गया,
हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर ने उस सिद्ध मनुष्य के साथ क्या किया? संसार में उनमें से केवल एक ही है, संसार में केवल एक ही है, और वही वो था। और परमेश्वर ने उसे यहाँ पर तराशा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, क्योंकि मैं एक पापी था। उसने अपने सात कलीसिया युगों के मेघधनुष के प्रकाश को मुझ पर चमकने दिया, यह जानने के लिए कि वह मेरे अपराधों के लिए घायल हुआ था। वहाँ आपका सात रंगों का मेघधनुष है, उसे हमारे अधर्म के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर ने उसे काटा और उसे कुचला और उसे मसला और उसे काटा, जिससे कि वो अपने मरने वाले घाव में से होते हुए प्रतिबिंब कर सके। पाप की क्षमा, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, नम्रता, कोमलता, परमेश्वर की सात आत्माएं आत्मा के सात फल हैं, जो उसके लोगों में वापस प्रतिबिंबित होंगे। उसे कुचला गया, आकार दिया गया और बनाया गया, जिससे कि परमेश्वर का प्रकाश उस एक मनुष्य के शरीर में से होकर चमके, जिससे सारे संसार को छुड़ा सके। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। उन मेघधनुष के रंगों को देखें, जब वे प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन जब यूहन्ना ने उसे यहाँ देखा, तो ये क्या था? छुड़ाए जाने का दिन पूरा हुआ था, ये सब पूरा हुआ था। इसलिए उसने उसे वापस उसकी मूल स्थिति में देखा, एक अग्निमय रंग का। न ही केवल आदि दुनिया, ये केवल सूर्य एक समय में आदि दुनिया पर ही चमक सकता है। देखो जैसे वह घूमता है। लेकिन जब यूहन्ना ने उसे देखा, तो वो उस पर बैठा हुआ यशब और मानिक पत्थर सा दिखाई पड़ता है। अग्नि में रंग का, दोनों को एक साथ मिलाएं, आपको अग्नि में रंग मिलता है। और सिंहासन के चारों ओर एक अग्नि में रंग था। ओ प्रभु, ओ मैं आपसे कहता हूँ कि बस हम बस आगे और आगे जा सकते हैं। सात आत्माएं, सात रंग, सात कलीसिया युग, सात सेवक, सात प्रकाश, हर एक चीज सात में है। परमेश्वर सात में सिद्ध है। परमेश्वर ने छह दिन कार्य किया, सातवें दिन उसने विश्राम किया। संसार 6000 वर्ष अस्तित्व में होगा और सातवां 1000 वर्ष सहशताब्दी है। ध्यान दें, आधे घेरे में आधा अभी तक नहीं जाना गया है। अब निश्चित रूप से ये चीजें कुछ तो दर्शाती हैं। अब निर्गमन 23:13 में और इब्रानियों 6:12 में परमेश्वर ने अपने साथ एक वाचा बांधी और स्वयं की शपथ खाई। इब्रानियों 13 हमें ये बताता है, या 9:13 कि उसने अपनी ही शपथ खाई। जब उसने अब्राहम और इजाक को बताया, तो उसने शपथ खाने के लिए खुद से बड़ा किसी को न पाया था। वहाँ उसने अब्राहम से कहा था कि वह उसके साथ एक वाचा बांधेगा, जो एक सदा की वाचा है। परमेश्वर, एक वाचा हमेशा शपथ के द्वारा की जाती है, इसलिए वहाँ कोई नहीं है। आप शपथ लेते हैं, आप अपने से किसी बड़े की लेते हैं, अपनी माता की शपथ लेते हैं, अपने पिता की शपथ लेते हैं, किसी चीज की शपथ लेते हैं, परमेश्वर की शपथ लेते हैं। लेकिन आप तब तक शपथ नहीं ले सकते हैं, जब तक कि ये आपसे बड़ा कोई न हो। और वहाँ परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं था, इसलिए उसने खुद ही से खुद की शपथ ली। आमीन। स्वयं ही से शपथ लेते हुए कि वो इस वाचा की पुष्टि करेगा। आमीन। ओह, इसकी शपथ खाई कि वो अब्राहम के बीज को बचाए रखेगा। अन्य जातियों के लिए अब्राहम का बीज क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अब्राहम का एक बीज। अपने आप की शपथ ली, मैं उन्हें ऊपर उठाऊंगा, हर एक को मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और उन्हें वापस यहाँ धरती पर रखूंगा। हमें किस बारे में सोचना है? तो हम उसे हरे अग्निमय रंग के गोलाकार धनुष में देखते हैं। ये हरे रंग का हरा क्या दर्शाता है? जीवन को। हरा सदाबहार होता है, हमेशा ही हरा बना रहता है, जो जीवन है। इसका क्या मतलब है? उस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, जैसा कि उसने उत्पत्ति में शपथ ली थी कि वो नहीं करेगा। आकाश में मेघधनुष को रखा कि वो इस दुनिया को फिर से पानी से नष्ट नहीं करेगा। वो भी उसकी शपथ को लेता है और स्वयं की शपथ लेता है कि वो अब्राहम के सारे बीज को खड़ा करेगा और ये संसार उसके सारे हिलाने वाले न्याय के लिए खड़ा होगा। वे न्याय जिसमें से होकर हम जा रहे हैं, भविष्य के दंड
जो संसार पर आने वाले हैं, जो आपको दिखाएगा कि ये संसार को कहां पर उगला जाएगा और ज्वालामुखी में बदल जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और उलट जाएगा और इत्यादि। लेकिन वो स्वयं की शपथ लेता है कि वो इसे नष्ट नहीं करेगा, लेकिन वो उसे फिर से समतल कर देगा और उसकी संतान को उस 6 शताब्दी के लिए धरती पर रख देगा। ओ प्रभु, मैं उस आने वाले आनंदित 6 शताब्दी के दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब हमारा धन्य प्रभु आएगा और अपनी प्रतीक्षा करती हुई दुल्हन को लेकर जाएगा। ओ मेरा हृदय तरस रहा है उस मधुर दिन के आरंभ होने के लिए, पुकार रहा है जब हमारा उद्धारकर्ता फिर से धरती पर वापस आएगा। ओ किस तरह से हम उस दिन को देखने के लिए तरस रहे हैं। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो महान 6 शताब्दी आएगी, और दूसरी बात जिस कारण से वो घेरे हुए था, वो वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो उसकी वाचा को बनाए रखेगा। अब आइए किसी भी तरह से अगले पद को लें। ओ हम एक और लेना चाहते हैं और हमारे पास इसे लेने के लिए लगभग 10-15 मिनट का समय है। क्या आप बहुत थके हुए हैं? आप आगे सुनना चाहते हैं? तो ठीक है, आइए 4th पद लेते हैं। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। हम हो सकता है उस पद में से होते हुए पूरी तरह से नहीं ले पाए, तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 4th पद, अब देखें, जब यूहन्ना ने उसे देखा उसके चारों ओर वो मरकत रंग था, हमने मेघधनुष के सारे रंगों को लिया और इत्यादि, और ये सब क्या था। अब 4th पद पर पहली बात जो वो यहाँ बताता है, 4th पद पर, और उस सिंहासन के चारों ओर, ध्यान देना, ये यहाँ क्या ही सुंदर तस्वीर है, इससे चूकना मत वो सिंहासन। आप जानते होंगे, आइए मूसा के पास वापस जाते हैं। मूसा, हमारे पास इसके अंदर जाने का समय नहीं है, इसलिए आप बस वही ले जो मैं कह रहा हूँ। मूसा जब वो उसे सीनै पर्वत पर दर्शन को दे रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें कि यह अब अनुग्रह का सिंहासन नहीं रहा था, वहाँ लहू जा चुका था और फिर से बलिदान वापस आया था और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था, और लहू दया के आसन से जा चुका था और वो अब न्याय का आसन था, क्योंकि उसमें से गर्जनाएं हो रही थी और बिजलियां चमक रही थी। क्या ये सही है? याद रखें, यह सीनै पर्वत जैसा था। जब मूसा सीनै पर्वत पर गया तो क्या हुआ? गर्जनाएं, बिजली चमकने लगी, और यहाँ तक यदि गाय व बछड़ा या भेड़ या कोई भी यहाँ तक पर्वत को छू भी लेता है तो वो निश्चय ही मर जाएगा। बाइबल कहती है भूकंप इतना भयानक था कि यहाँ तक मूसा भी इससे डर गया था, और उसने कहा यहाँ अपने जूते उतारो, तुम पवित्र भूमि पर हो। यहोशू वो महान योद्धा, बच्चों को वहाँ उस ओर ले जाना था और उनकी विरासत को विभाजित करना था, पहाड़ पर केवल आधे रास्ते तक आ सकता था। यहाँ मूसा ऊपर खड़ा हुआ था परमेश्वर के चमकते रंगों के साथ, और बिजलियाँ और मरकत रंग उसके चारों ओर थे, उन आज्ञाओं को ध्यान से देखते हुए जो लिखे जाने थे। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए वो आवाज जो वापस बोल रही थी, मूसा तुम कहाँ हो? अपने जूते उतारो, तुम पवित्र भूमि पर हो। ये अब एक न्याय का आसन था, वहाँ पर छुड़ाए हुए के अलावा कोई भी नहीं खड़ा हो सकता था, पापी इसके पास बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। यह समाप्त हुआ है, ये न्याय का आसन है। तो ठीक है, अब मूसा ने धरती पर चीजों को बनाया, आराधनालय को बनाया, उन चीजों के समान बनाया जो उसने स्वर्ग में देखी। हम ये जानते हैं, क्या हम नहीं जानते? हम पाते हैं कि पौलुस ने भी ऐसा ही किया था, अवश्य ही, इब्रानियों 9:23 कि मूसा ने चीजों को वैसा ही बनाया जैसे उसने बनाया था, और पौलुस उसके दर्शन में जब वह स्वर्ग में गया, जब उसने इब्रानियों की उस महान किताब की शिक्षा दी, तो उसने अवश्य ही अपने दर्शन में उसी बात को देखा होगा जो मूसा ने देखा था, क्योंकि उसने कहा था कि उसने इब्रानियों की उस अद्भुत किताब की शिक्षा दी, किस तरह से वो मसीहत पुराने नियम की प्रतिछाया थी। वो एक महान शिक्षक था जो पौलुस था। अब तब ये उसका सिंहासन था, तब वो, आइए बस, वहाँ कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं इसे छोड़ने जा रहा था, लेकिन मैं बस ऐसा नहीं कर सकता। ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है? क्या आपने इसे वापस निकाल लिया? क्या इसे वापस निकाला डॉक? कोई बात नहीं, शायद मैं आपको इसे
यहाँ से दिखा सकता हूँ। मैं अब अपनी कलम और कागज को उठा लें क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आज सुबह बैठा हुआ था जब मेरे पास कुछ तो आया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया। यदि आप ध्यान दें तो मैंने इसे यहाँ पीछे चित्रित कर लिया है। देखा, बिल्कुल वैसा ही इसे चित्रित किया जैसा कि आत्मा ने मुझे बताया था। देखो, यहाँ पर चित्रित किया कि यह किस तरह होगा, लेकिन मैं ठीक यहाँ पर कुछ तो कहना चाहता हूँ। अब परमेश्वर जब वो सिंहासन पर बैठा होता है तब वह न्यायी होता है। क्या यह सही है? न्याय कब न्याय को करता है? जब वो अपने न्याय के आसन पर आता है, एक सिंहासन पर। अब मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि पुराना नियम कैसे बनाया गया था, कैसे उसके सिंहासन के समीप आने वाले आंगन बनाए गए थे, और यूहन्ना ने यहाँ किस तरह से देखा। हम आज सुबह इस बात को नहीं लेंगे, इस सब बातों को, लेकिन कैसे यूहन्ना ने उन्हीं आंगनों को देखा जो उसकी ओर समीप ले जाते हैं, और उसके आंगनों के लिए कैसे प्रवेश करना है। अब ओह, मुझे ये पसंद है। अब पुराने नियम में वहाँ पर जिसे सभा कहा जाता था, जहाँ लोग एकत्रित होते थे, पहली बात, इससे पहले वे सभा में आते, वहाँ पर प्रवेश करने के लिए उन्हें बहाए हुए लहू के नीचे से आना पड़ता था, बाहरी आंगनों से। पहले वे अलगाव के जल में आते जहाँ लाल बछड़ा मारा जाता था और अलगाव के जल को बना दिया जाता था। यह पापी होता है जो आता है और वचन को सुनता है। ऐसे ही इस बड़े यहूदी रब्बी को अभी अभी प्रभु के पास लाया गया, जिसने मुझे उस पर प्रचार करते हुए सुना तुलसा में। ये तुलसा में हुआ था। हम वहाँ तुलसा ओल्काहोमा में थे और वो वहाँ पर आया था। वो सिर्फ एक दर्शक ही था और वो सभा के बाद चला गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ, कहा वो उन दुनिया के सात प्रमुख रबियों में से एक था, और वो वहाँ पर आया। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि वे मसीही व्यवसायी, वे उन्हें पेंटिकॉस्टल कहकर बुलाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उधर जाकर बैठ जाएं, सुने। और जब प्रभु ने मुझे उस लाल बछड़े के बलिदान पर बोलने को कहा था, तो सभा खत्म होने के बाद वो वहाँ पीछे कुछ भाइयों से मिला। कहा, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने यहाँ तक कोई शिक्षा भी नहीं पाई है, लेकिन कहा, मैं एक यहूदी रब्बी हूँ जो उन सभी अलग अलग दृष्टिकोण को और इस तरह की चीजों को जानता हूँ। कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और अब वो एक पेंटिकॉस्टल रब्बी है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जो हर जगह जाता है, सुसमाचार का प्रचार करता है। पेंटिकॉस्टल रब्बी वो खुद को कहता है। वो वहाँ वाशिंगटन के एक यूरी होटल में गया। एक दिन जब हमने भाई जैक के यहाँ एक साथ मुलाकात की और वो महिला उसे जानती थी, उस महिला ने कहा, रब्बी, उसने कहा, हमने आपके लिए एक अच्छा कमरा रखा है, लेकिन कहा, हमारे पास वहाँ उसमें कोई टेलीविजन नहीं है। उसने कहा, वे चीजें नरक का दर्शन है, उन्हें निकाल कर फेंको। मैं किसी भी तरह की उन चीजों को वहाँ नहीं चाहता हूँ। ये वहाँ पर होती है तो मैं तुम्हें इसे बाहर फेंक दूंगा। महिला ने कहा, रब्बी, उसने कहा, मैं एक पेंटिकॉस्टल रब्बी हूँ, हालेलुया। उसने कहा, अब जब आप इसराइल जाओगे भाई ब्रैनम, तो मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। कहा, हम इसे हमारे लोगों तक ले जा सकते हैं। मैंने कहा, अभी नहीं रब्बी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तक वो घड़ी नहीं आई है, थोड़ा समय रुकिए। अब इन पवित्र स्थानों पर ध्यान दें। अब जब आप आंगन में आते हैं तो पहले आंगन होता है, बाहरी आंगन, उसके बाद अगला वेदी थी जहाँ पर बलिदान को भेंट किया जाता था, वो पीतल की वेदी थी। उसके बाद पीतल की वेदी के बाहर यहाँ एक पर्दा लटका हुआ होता था जो परम पवित्र स्थान की ओर जाता था। वहाँ इसमें दया का आसन था, उसमें करूब होते थे। यही है जो मैं अपने अगले विषय में लेना चाहता हूँ, वे करूब जो दया के आसन पर छाया किया करते हैं। ओ प्रभु, मैं हम उस बात पर बस महीने भर बने रह सकते हैं। देखो उस करूब पर। अब ध्यान देना, जब वे भीतर गए, सभा के लोग वहाँ पर आ सकते थे, याजक यहाँ खड़े हो सकते थे, लेकिन केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार लहू को साथ लेकर वहाँ उसमें जा सकता था, और उसे एक विशेष तरीके का वस्त्र पहनना होता था, एक विशेष पोशाक। उसमें एक एक घंटी लगी होती है और एक एक अनार का बूटा जो एक के पास दूसरा लगा हुआ होता था, और जब वो चलता उसे एक विशेष तरह से चलना होता था। जब वो चलता वो बसता पवित्र 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 प्रभु के लिए, पवित्र
पवित्र पवित्र प्रभु के लिए वे घंटियां और अनार एक साथ बजते रहते, पवित्र 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 प्रभु के लिए। क्यों? वो वाचा के लहू को हाथ में लिए हुए परमेश्वर के पास पहुंच रहा था, उसके सामने जाते हुए लहू को लिए हुए अभिषेकित होकर। ओह प्रभु, किसी विशेष इत्र के साथ उसके कपड़े पवित्र आत्मा से भरे हाथों के द्वारा बनाए हुए होते थे। ठहराए हुए हाथ उसके कपड़ों को बनाते थे। शरण का गुलाब अभिषेक का तेल उसके सिर पर उंडेला हुआ होता, जो पूरी तरह से उसकी दाढ़ी से नीचे बहकर और फिर नीचे उसके स्थान पर शाही वस्त्र के साथ गिरता। एक अनार का बूटा और एक घंटी एक निर्दोष मेमने के लहू को लिए हुए, और वो उस पर्दे के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। वो ठीक वहीं मर जाएगा जहाँ वह खड़ा हुआ था, इसलिए उसे एक विशेष तरह से चलकर जाना होता था। पवित्र 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 प्रभु के लिए, पवित्र 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 परमेश्वर की ओर पहुँचते हुए प्रभु के लिए, पवित्र पवित्र पवित्र। और वो वहाँ चला जाता और वर्ष में एक बार दया के आसन पर लहू को चढ़ाता, और जब वो वहाँ पर होता था तो उसे तेजो में महिमा को देखने का सौभाग्य मिलता। जब अग्नि का स्तंभ, वो अग्नि में प्रकाश जो नीचे आया था, जिसने उन बच्चों को इज़राइल से बाहर ले आया, वो यहाँ तक मंदिर में धुआं भी कर देता ताकि कोई इसे देख न सके। यहोवा की महिमा तब तक गिरती रहती जब तक ये सब धुएं से भर नहीं जाता। और वो स्वयं में आया, पर्दे के पीछे चला गया और परम पवित्र स्थान में दया के आसन पर नीचे बैठ गया। सबसे पवित्र स्थान इसे कहा जाता है, परम पवित्र स्थान। और उसे विशेष तरीके से तैयार होना होता था, एक विशेष तरह से चलना होता था, एक विशेष तरह से अभिषेक होना था। वो वहाँ जाने के लिए एक विशेष व्यक्ति था। किस तरह से सभा के लोगों ने उससे अवश्य ही ईर्ष्या की होगी। लेकिन जब यीशु मरा तो मंदिर का पर्दा फट गया। न ही केवल एक महायाजक बल्कि जो कोई भी चाहे उसके पास वही तेजो में महिमा का अभिषेक हो सकता है और पवित्र जीवन को चल सकता है। पवित्र 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 प्रभु के लिए, और उसके सामने यीशु मसीह के लहू के जरिए से उसी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकता है। उसे साथ लेकर प्रभु यीशु, यहाँ एक बीमार मनुष्य है, वो मेरा भाई है, वो ठीक अभी मरने के लिए मृत्यु छाया पर है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पवित्र 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 प्रभु के लिए, किस लिए? एक महायाजक की नाई, किस लिए? मेरे भाई की ओर से पवित्र 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 प्रभु के लिए। वहाँ पर आप हैं, आपका रोजाना का चलना, आपका रोजाना का बोलना, आपका रोजाना का व्यवहार, आपका हृदय, आपका प्राण और सब पवित्र 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 प्रभु के लिए। न ही कोई कड़वाहट की जड़ और कुछ भी नहीं, पवित्र 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 प्रभु के लिए, पवित्र 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 प्रभु के लिए। जैसा कि हम अपने भाई की ओर से आगे बढ़ने लगते हैं, जो कोई भी चाहे वो आ सकता है। अभिषेकित लहू उसके सामने है, उसके आगे आगे लहू जाता है, बसता रहता है, पवित्र 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 प्रभु के लिए। अब वो बाहरी आंगन था, पवित्र स्थान था, और परम पवित्र स्थान वो धरती पर परमेश्वर का पवित्र मंदिर था। देखो, वो जो एक स्वर्ग में था, इसे उसके अनुसार प्रतिरूप किया गया था। अब हम ठीक इसी वचन पर फिर से वापस आएंगे। ओ सारे, जब हम प्रकाशित वाक्य में से होकर जाते हैं तो हम सीधे इस पर वापस आ सकते हैं, समझे? अब वो यूहन्ना, यूहन्ना कहाँ पर खड़ा है? आंगनों में। आइए जरा यहाँ पर थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, जिससे कि आपको वो चित्र मिल जाए। और उस सिंहासन में से बिजलियाँ, गर्जनाएं, आवाजें निकल रही थी, और आग के साथ दीपक थे। रुकना जब तक हम उसे नहीं लेते। सिंहासन के सामने जल रहे हैं, ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। परमेश्वर के प्रकाश को कलीसिया में प्रतिबिंब कर रहे थे, सीधे परमेश्वर के सिंहासन से, न ही एक धर्म विद्यालय के जरिए से, न ही किसी बिशप के जरिए से, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन से, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के प्रकाशन के द्वारा। उसे एक सा बनाते हुए कल और युगानुयुग के लिए वे सात तारे वहाँ खड़े थे, उस प्रकाश को प्रतिबिंब करते हुए। वो तेजो में प्रकाश जो तेजो में महिमा से परम पवित्र स्थान से है, सात दिए जल रहे हैं, इन धूपदानों के ऊपर स्थापित है, जो उसके प्रकाश को प्रतिबिंब कर रहे हैं, उसके रंगों को, उसके पुनरुत्थान की, उसकी सामर्थ को, ठीक कलीसिया के अंदर। आमीन। और उस सिंहासन के सामने मानो
बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है और सियासन के बीच में और सियासन के चारों ओर चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं और वो आगे जाता है और इसे देना आरंभ करता है। ये पशु इसी बात को यजकेल ने देखा। वे पहरुए एक मनुष्य के समान था, एक सिंह के समान और एक उकाब के समान। ये क्या था? अब देखो, जब हम उन बातों को लाते हैं और दिखाते हैं कि यहूदा के गोत्र का सिंह और उनके गोत्रों में से वे जो सारे अलग अलग हैं, जो चार दीवारों पर स्थित हैं और वे इस दया के आसन का पैरा दे रहे थे। ओ क्या ही तस्वीर है। ओ मैं बस वहाँ आगे बहुत अच्छे दिन हैं। जैसा हमने उन्हें देखा, अब यह स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन था। मूसा ने इसकी धरती पर प्रतिछाया की जो परमेश्वर का सिंहासन था, क्योंकि उसके न्याय के आसन में या धरती पर परम पवित्र स्थान में प्रतिनिधित्व किया था। परमेश्वर द्वारा इसराइल दया को पाने के लिए उस एक स्थान पर आता है, क्योंकि परमेश्वर केवल बहाए गए लहू के नीचे ही भेंट करता है। अब ध्यान से सुनना, फिर एक दिन तेजो में महिमा उस दया आसन से ऊपर आई और वो दूसरे मंदिर पर स्थापित हो गई। आमीन। यह एक पिता किसी का न्याय नहीं करता है, लेकिन उसने पुत्र को न्याय सौंपा है। परमेश्वर का न्याय का आसन। तुम मेरे विरोध में बोलते हो, ये तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। एक और जो आ रहा है, एक और दया का आसन। बोलते हो तुम मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध बोलते हो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन किसी दिन पवित्र आत्मा आकर लोगों के हृदयों में वास करेगा। उसके विरुद्ध एक भी बात को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये हर समय और अधिक गंभीर होता जाता है वो न्याय, क्योंकि परमेश्वर निरंतर अपने धैर्य को धारण किए हुए है पापियों को लेने का प्रयास करते हुए कि वे उसके पास आकर मेल मिलाप को करें। पहले वो ऊपर आकाश में था और तारों में से होकर चमक रहा था। दूसरा वो धरती पर तेजों में महिमा में से होते हुए चमक रहा था। उसके बाद वो आया और देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। अब भी वो उसके धैर्य को धारण किए हुए है। फिर उसने मनुष्य को उसके लहू के द्वारा छुड़ाया, पवित्र आत्मा के रूप में उसके कलीसिया में आया और उसके विरुद्ध बोलते हैं तो ये समाप्त हुआ है, खत्म। अब आप देख सकते हैं कि हिलावट कहाँ पर आती है, किस समय। वे नहीं समझ पाते, लोग समझ नहीं सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब पहला सिंहासन स्वर्ग में था, न्याय का आसन। दूसरा सिंहासन मसीह में था, तीसरा सिंहासन मनुष्य में है। अब मुझे इस छोटी सी बात को लेने दो जो मैंने यहाँ चित्रित करके रखी है। हम बनाने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड होता जिससे कि मैं इसे बना पाता, तो हो सकता है आपके लिए और अधिक समझ को देता। हम इसे लेने जा रहे हैं और आंगन को चित्रित करेंगे। इसे केवल एक गोलाकार में बनाएंगे या इस तरह से, या तो एक। अब हम लेने जा रहे हैं, मेरा इस तरह से विश्वास है, हो सकता है सबसे अच्छा होगा। हम लेने जा रहे हैं और आंगन को बनाएंगे। अब एक मनुष्य क्या है? वो एक त्रिगुणात्मक जीव है, शरीर, आत्मा और प्राण। ये कितने जानते हैं? परमेश्वर की ओर पहुंच को देखें, उसका हृदय क्या है। आपको मेरा संदेश याद है, परमेश्वर अपने नियंत्रण गढ़ के लिए एक मनुष्य के हृदय को चुनता है। शैतान अपने नियंत्रण गढ़ के लिए मनुष्य के दिमाग को चुनता है। देखो, वो उसे चीजें दिखाता है, उसकी आंखों में से होकर देखता है, लेकिन इसमें परमेश्वर उसके हृदय में उसे उन चीजों पर विश्वास करने को लगाता है जिसे वो नहीं देख सकता। क्या उसने किया? देखो, परमेश्वर उसके हृदय पर, मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का सिंहासन है। आपने इसे समझा? मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अपना सिंहासन बनाया। अब ध्यान दें, मनुष्य का पहला भाग क्या है? मनुष्य का पहला भाग शरीर है, अगला भाग उसका प्राण है, जो उसकी आत्मा का स्वभाव है, जो उसे वो बनाता है, जो वो है, वो अब समीप जाता है। अब मनुष्य का तीसरा भाग उसकी आत्मा है, और उसकी आत्मा उसके हृदय के केंद्र में है, और हृदय के केंद्र में ये वो स्थान है जहाँ परमेश्वर सिंहासन के लिए आता है। आप याद रखें,
हाल ही में लगभग 4 वर्ष पहले शिकागो में उस अखबार में दिया था, जब वो पुराना विश्वासी, मेरा मतलब पुराना अविश्वासी, वो हमेशा कहता था कि परमेश्वर ने सुलेमान के जरिए से एक गलती की, जब उसने कहा जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, कहा हृदय में सोचने के लिए कोई मानसिक क्षमता नहीं है, वो भला अपने हृदय में कैसे सोच सकता है, उसे करना है। उसका कहने का मतलब उसका दिमाग था। यदि परमेश्वर का मतलब उसके दिमाग से होता तो वो कहता उसका दिमाग, जैसे मूसा क्या हो, यदि मूसा से परमेश्वर ने कहा होता मूसा अपने जूते उतारो, तुम पवित्र भूमि पर हो, उसने कहा होता ठीक है क्यों नहीं, मैं अपनी टोपी को उतारूं, ये उतना ही अच्छा है, उसने कहा जूते, उसने ये नहीं कहा टोपी, उसने कहा जूते। और जब उसने कहा पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, उसका मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं था, उसका मतलब वही था जो उसने कहा था। जब उसने कहा तुम्हें फिर से जन्म लेना अवश्य है, उसने ये नहीं कहा तुम्हें लेना चाहिए, उसने कहा ये चिन्ह उनके पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं, उसने कभी नहीं कहा शायद वे जाएंगे, वो कहता है जो उसका मतलब है और वो परमेश्वर है और वो इसे वापस नहीं ले सकता, वो जानता है कि क्या सही है, इसलिए वो इसे इस तरह से बनाता है और इसी तरह से वो इसे करने का इरादा रखता है। और आपको ऊपर उस तक पहुंचना होगा, वो आपके विचार पर नहीं आता है, आपको उसके विचार पर ऊपर आना होगा, यही वो अंतर है। अब इस शरीर प्राण की प्रणाली पर, अब यदि आप प्राण शब्द को लेंगे और इसे देखेंगे तो यह आपको बाइबल शब्दकोश या वेबस्टर में इसमें से किसी में भी बताएगा ये आत्मा का स्वभाव है। अब यहाँ एक मनुष्य है, हम कहेंगे यहाँ जॉन डो है तो ठीक है, जॉन डो, और यहाँ पर सैम डो है तो ठीक है। अब जॉन डो एक मनुष्य है, शरीर, वो सैम डो का भाई है। अब जॉन एक आत्मा प्राण शरीर है और सैम डो भी वही बात है, शरीर प्राण आत्मा, जैसा कि वो है शरीर प्राण आत्मा। अब यह मनुष्य दुष्ट है, बुरा है, छल करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, कोई भी बुरा काम जो वो कर सकता है, लेकिन यह मनुष्य प्रेम, शांति, आनंद से भरा हुआ है, ये दोनों ही प्राण शरीर और आत्मा है तो ठीक है, क्या फर्क है। यह मनुष्य वापस पीछे जा सकता है और कह सकता है मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, मुझे वो बातें याद है जो हमने की थी जब हम लड़के थे, दोनों कह सकते हैं, दोनों के पास आत्मा है, दोनों के पास प्राण है, दोनों के पास शरीर है, लेकिन इस मनुष्य की आत्मा का स्वभाव दुष्ट है, इस मनुष्य की आत्मा का स्वभाव अच्छा है। देखा, तो आत्मा का स्वभाव मनुष्य का प्राण है, समझे। तो अब परमेश्वर किसमें जाने की कोशिश कर रहा है, मनुष्य की आत्मा और हृदय, जहाँ आत्मा बसती है वो हृदय में होता है, आप जानते हैं, और विज्ञान ने कहा जैसा कि मैं इसे कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा, वो मनुष्य अपने हृदय से नहीं सोच सकता है, और विज्ञान ये पता लगाना आरंभ करता है कि वहाँ मनुष्य के हृदय में छोटा सा कक्ष है, न ही जानवरों के हृदय में, लेकिन मनुष्य के हृदय में वहाँ यहाँ तक एक लहू की कोशिका भी नहीं है, नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा ये अवश्य ही वो स्थान होगा जहाँ प्राण रहता है, मतलब आत्मा रहती है। अब उन्हें ऐसा ही छोड़ दो, वे अपनी ही मूर्खतापूर्वक बातें करेंगे और परमेश्वर को साबित करेंगे, ये सही बात है। परमेश्वर बस मूर्खों को उसकी गवाही देने को लगाता है। अब वहाँ ये है, अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ हैं। भाई बोझ की छोटी लड़की ने कहा भाई ब्रैनम आप जानते हैं कि आप उस दिन क्या कह रहे थे, कहा देखो देखो विज्ञान पहले से ही पता लगा चुका है, कहा तो ठीक है परमेश्वर धन्य हो, मुझे वो चाहिए बहन, मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए। मनुष्य का प्राण आत्मा का स्वभाव है और वो आत्मा मनुष्य के हृदय में वास करती है। अब बाहरी आंगन क्या है, वो देह है, देखा वही वो पहली चीज है जिस पर आप आते हैं, वो देह, आपको उस पहले को भस्म करना होगा, आपको देह के पार जाना होगा। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है जैसे उठकर और कलीसिया जाऊं, सड़कें बहुत ही चिकनी हैं, मैं बहुत ही गर्मी है, ओह कलीसिया मैं नहीं जाना चाहता, यही देह है तो ठीक है। अब आपको भस्म करना होगा और उसमें से होकर चलना है, परमेश्वर को इसमें से होकर जाना है। अगली बार जब वो आता है तो उसे प्राण में आना है, यही स्वभाव है। ओह जॉनसन मेरे बारे में क्या कहेगी, ओह प्रभु आप जानते हैं मेरी कलीसिया मुझे बाहर निकाल देगी यदि मैं ऐसा कुछ करता हूँ, समझे। लेकिन आपको इसमें से होकर चलना होगा, और जब आप उसमें से होकर चलते हैं तब वो हृदय में जाता है, और यही है जहाँ पर उसका सिंहासन होता है,
यही पवित्र आत्मा आप में होता है। यीशु ने कहा ये उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और तुम्हें गहरे समुन्द्र में डुबाया जाता, यहाँ तक कि मुझ पर विश्वास करने वाले इन छोटों में से एक को भी ठेस पहुँचाने के लिए, न ही उनकी कोई हानि करना, बस यहाँ तक कि उनका अपमान करने के लिए लाते हो, बस उन्हें किसी बात पर परेशान करते हो। भला होता कि तुम आप ही खुद डूब जाते थे या धरती पर कभी जन्म नहीं लेते थे, यहाँ तक कि एक का अपमान करने पर भी। ये उसका मतलब है, क्या वो झूठ बोल सकता है? क्या प्रेरितों ने ऐसा कहा था? नहीं नहीं, यीशु ने ऐसा कहा। यीशु ने कहा, पर जो कोई यहाँ तक इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए, ये चिन्ह उनके पीछे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं। कोई महान बड़ा व्यक्ति कहता है, ओ मैं उस पर विश्वास करता हूँ, हालेलुया। क्या तुमने कभी अन्य जुबान में बोला है, अन्य जुबानों का अनुवाद किया है, शैतानों को निकाला है, दर्शनों को देखा है और इत्यादि, जैसा कि उसने प्रतिज्ञा की थी? नहीं, वो दिन बीत चुके हैं, वो एक विश्वासी नहीं है, वो एक ढोंगी विश्वासी है। यीशु ने कहा अंतिम शब्द जो उसने कहा, ये चिन्ह विश्वास करने वालों के पीछे पीछे जाएंगे सारे जगत में और हर एक सृष्टि के लिए, ये सही है, मेरे वापस लौटने तक विश्वासियों के पीछे पीछे जाएंगे। यही वो अंतिम शब्द है जो उसने कहे थे। ये कितने लोग जानते हैं बाइबल में? मरकुस 16। अब देखिए, वो एक ढोंगी विश्वासी है, लेकिन जब आप एक विश्वासी को पाते हैं जो वास्तव में विश्वास करता है, चिन्ह उसके पीछे पीछे जाते हैं और आप उसके जीवन की नम्रता को देखते हैं, न कि एक नाटक करने वाला, जानते हैं कि वे एक मसीही हैं, एक वास्तविक सच्ची पत्री, वे बस शांत रहते हैं। आपको जो काम करना चाहिए वो ये है, आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ चलना आरंभ करें, क्योंकि आप राजा के राजमार्ग पर ठीक ऊपर जा रहे हैं। अब क्या होता है, इसे देखो, बाहरी आंगन को देखें, जो लूथर का युग था, जैसा कि हम अन्य जातियों के कलीसिया के देह में आरंभ करते हैं। आपको याद होगा वे लगभग एडी 606 के समय तक वे यहूदी थे, तब ये थुआतीरा में आया, यह लगभग सारे यहूदी परिवर्तित हुए थे, लेकिन यहूदी के बाद यह यहाँ यहूदी और अन्य जाति दोनों पर आया, लेकिन ज्यादातर यहूदी थे, लेकिन जब यह वास्तव में अन्य जाति युग में आता है, इस ओर आता है, देखो मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली और आदि आते हैं, देखा। अब उस अंधकार युग के बाद इन अंतिम तीन को देखें, युग के मध्यांतर तक आए और पार हो गए। जब ये आता है तो इस बाहरी आंगन को देखें, देखो देह प्राण आत्मा, समझे, वो बाहरी आंगन देह, पवित्र स्थान, नाजरीन, पिलग्रिम होलीनेस, फ्री मेथोडिस्ट, देखा, और उसके बाद परम पवित्र स्थान, पेंटिकॉस्टल में वापस, जहाँ से इसकी शुरुआत में आरंभ हुई थी, देखो वापस शुरुआत में। अब यदि आप इसे चित्रित कर रहे हैं तो मैं चिन्हित करना चाहता हूँ। अब वहाँ पांच द्वार हैं जो देह में जाते हैं, जो देह को नियंत्रित करते हैं, आप ये जानते हैं, क्या वहाँ नहीं है? यही पांच चेतनाएं हैं। कितनी चेतनाएं देह को नियंत्रित करती हैं? पांच, देखना, चखना, महसूस करना, सूंघना, सुनना, क्या यह सही है? यही देह है, बाहरी आंगन, यही वो चीजें हैं जिन पर आप निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि यह देह है। फिर अंदरूनी आंगन, हमारे पास अंदरूनी आंगन है जो कि अगली वेदी है, और जो अगली वेदी आती है और वो विवेक, कल्पनाएं, याददाश्त, मनोभाव और से के साथ आती है। यही वो पांच चेतनाएं हैं जो अंदरूनी आंगनों को नियंत्रित करती है। यह वो प्राण है, स्नेह की चेतनाएं, यही प्राण है, प्रेम है और इत्यादि है। और उसके बाद अगला, इस ज्ञानेन्द्रिय में यहाँ वहाँ पर भी याददाश्त और विवेक और दया होगी और इत्यादि, और कल्पना भी होगी। आप बैठकर और चीजों की कल्पना करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप इसे अपने देह में नहीं करते हैं, आपकी चेतनाएं कल्पना नहीं करती हैं, ये आपके भीतर का अंदरूनी आंगन है। इसके तीन द्वार हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अब तोड़ रहे हैं, इससे चूकना मत, देह से आते हुए पांच चेतनाएं, अगले के लिए वो प्राण, अंदरूनी आंगन, लेकिन अब आप हृदय के अंदर आ जाते हैं, देखा। अब वहाँ पर जहाँ आप अच्छे पिलग्रिम होलीनेस और मेथोडिस्ट उस वेदी पर वहाँ बने हुए थे,
देखिए आप आंगन में हैं, आप लूथरन और इत्यादि जो वहाँ पीछे देह में, वहाँ पीछे पांच चेतनाओं के साथ आँख जो देख सकती है और समझ सकती है, समझे। यहाँ पिलग्रिम होलीनेस आए जो केवल फ्री मेथोडिस्ट थे, अगले आंगन में आए और पवित्रता में विश्वास किया, क्योंकि इसे पवित्र स्थान कहा जाता था जहाँ बलिदान किया जाता था। लेकिन वर्ष में एक बार महायाजक परम पवित्र स्थान के अंदर जाता था जो दोषी था, वहाँ लूथरन युग था, उसके बाद मेथोडिस्ट युग, उसके बाद ये युग कलीसिया का प्रकाश आ रहा है जो मनुष्य जाति की डील लोल की तरह है। फिर कैसे हम इसके अंदर जाते हैं? अब याद रखना, वहाँ एक पर्दा था, एक पर्दा जो पवित्र और परम पवित्र स्थान के बीच लटका हुआ था। परम पवित्र स्थान में यह वो स्थान है जहाँ मसीह आकर आपके हृदय के सिंहासन पर बैठता है। मसीह सिंहासन पर बैठा है, वो धर्मीकरण में से होकर आता है। क्या ये सही है? पवित्रीकरण, और फिर एक के द्वारा जल, एक कलीसिया के द्वारा, एक संस्था के द्वारा नहीं, एक आत्मा के द्वारा। यहाँ से हम सभी एक शरीर में बपतिस्मा लेते हैं जो कि मसीह का शरीर है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के। कौन अंदर आता है? मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, जो कोई भी चाहे। वो पर्दा, आप जानते हैं कि वो पर्दा क्या है जो आपके हृदय को इससे पर्दा करता है? क्या आप तैयार हैं? पर्दे को स्वयं की इच्छा कहा जाता है। क्या आप अब तस्वीर को समझ पा रहे हैं? वहाँ पर जो चेतनाएं हैं, शरीर पर की चेतनाएं और प्राण के लिए चेतनाएं, और वो पर्दा जो पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान के बीच में है, और केवल एक ही तरीके से आप वहाँ अंदर जा सकते हैं, वो है स्वयं की इच्छा। क्योंकि जो कोई भी, क्या, जो कोई भी हाथ मिलाता है, जो कोई भी जल के अंदर डूबा है, जो कोई भी कलीसिया से जुड़ता है, जो कोई भी अपने ज्ञान को देता है, जो कोई भी करता है, नहीं, जो कोई भी चाहे पर्दे के पार आए। मसीह मेरे चेतनाओं के अंदर आने दो। कहते हैं ठीक है, मुझे करना चाहिए, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, यही एक बात है, मैं कलीसिया से जुड़ जाऊंगा। तो ठीक है लूथरन, तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरा विश्वास है कि मुझे एक अलग जीवन जीना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, वेदी पर पवित्रीकरण। तो ठीक है मेथोडिस्ट, तो ठीक है, और उसके बाद जो कोई भी चाहे उसे चीरे हुए पर्दे को पार करने दो। ओह परमेश्वर की महिमा हो, मैं दूसरी तरफ हूँ, उसके नाम के लिए हालेलुया। ओह प्रभु, जो कोई भी चाहे इसे उसे फाड़ने दो, उसकी स्वयं की इच्छा के पर्दे को, और परमेश्वर उसके हृदय के अंदर में आने दो। वहाँ पर मनुष्य के हृदय में उसके न्याय के आसन पर मसीह है। क्या होना है? आप कहते हैं मुझे करना, ओह मैं गंदे चुटकुले सुना सकता हूँ, ये मुझे दोषी नहीं ठहराता है। क्यों? उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे दोषी ठहरा सकता है। इन बातों को बाहर निकालने के लिए वहाँ कोई नहीं है, आपको दोषी ठहराने के लिए वहाँ कोई नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। महिलाएं कहती हैं, मैं बाल छोटे कर सकती हूँ, ये मुझे दोषी नहीं ठहराता है, कोई आश्चर्य नहीं, समझे। ओह मैं छोटे कपड़े पहन सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं, पुरुषों ने कहा, सिगार पीने से मुझे कोई दुख नहीं पहुँचता है, और न ही इससे मुझे कोई दुख होता है कि कुछ ताश को खेलना और कुछ पासे फेंकना और जो कुछ भी वे करते हैं, इससे मुझे दुख नहीं पहुँचता है, और वे अभी भी कलीसिया से संबंध रखते हैं। देखो, ऐसा करने के लिए मुझे दुख नहीं पहुँचता। क्यों? क्यों? आपको जांचने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मसीह अंदर आता है तो आप अपने हृदय में एक वेदी बना लेते हैं, और आपके पापों को प्रतिदिन लिया जाता है। महान संत पौलुस ने कहा, मैं हर रोज मरता हूँ तो भी मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं नहीं जीता, मसीह मुझ में जीता है। वहाँ अंदरूनी पर्दा है। ओ भाइयों, बहनों, जल्दी करेंगे, मैं जानता हूँ। ओ नहीं, मैं इसे खत्म नहीं कर सकता, मैंने समय से ज्यादा लिया है,
आइए देखते हैं, मुझे बस नहीं, मैं बेहतर होगा नहीं। देखो, मैं 24 प्राचीनों को लेना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मैंने आप सभी को आपके रात के खाने से रोक कर रखा है। हम बस आइए देखते हैं कि कितने लोग कहते हैं 24 प्राचीनों को लूं केवल। तो ठीक है, बस एक मिनट, तो ठीक है बस एक मिनट, 24 प्राचीन, तो आइए उन्हें अभी जल्दी से ले लेंगे। सिंहासन के चारों ओर और 24 सिंहासन के चारों ओर थे। अब आप देखते हैं क्या, अब वो सिंहासन कहाँ पर है? हृदय में। किसके हृदय में? सात कलीसिया युग के सदस्य के, मसीह। उनके कार्य के विरुद्ध एक शब्द भी बोलते हैं तो आप दोषी हैं। आपको न्याय के दिन इसके लिए उत्तर देना होगा। और धरती का न्याय कौन करेगा? संत धरती का न्याय करेंगे। दानियल ने 10,000 × 10,000 के साथ किसे आते हुए देखा? उन संतों को। किताबें खोली गई, पापियों की एक और किताब खोली गई थी जो जीवन की किताब थी, सोई हुई कुंवारी की। ओह प्रभु, क्या वे यह नहीं देख सकते? सोई हुई कलीसिया, वे जो दूल्हे से भेंट करने को निकले, उन्होंने उनके दिए में से तेल को खत्म कर दिया। उन्होंने इसमें कभी भी प्रवेश नहीं किया, कभी भी मसीह को नियंत्रण करने नहीं दिया, जिससे कि वो अद्भुत कार्यों को कर सके और अन्य भाषाओं से बोल सके और चमत्कार और चीजों को कर सके, ये साबित करने के लिए कि वो अपनी कलीसिया में रहता है। क्या होता यदि यीशु धरती पर आकर और कहता, मैं यीशु हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, कभी भी कुछ भी नहीं करता, वो बस ऐसे ही कहता, मैं यहाँ पर जाऊँगा और कलीसिया से जुड़ जाऊँगा, क्या ये परमेश्वर का पुत्र होगा? उसने क्या कहा? यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता हूँ तो मेरी प्रतीति न करना। ओह प्रभु, क्या आप देखते हैं, परमेश्वर खुद को घोषित करता है, वो इसे करना पसंद करता है, वो यहोवा है, वह खुद को ज्ञात करवाना पसंद करता है। ओह, मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। जी हाँ श्रीमान, उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है, मैं जानता हूँ कि उसे आपके लिए प्रकट करना है। आप में से कुछ नौजवान लोग ने अभी अभी परिवर्तित हुए हैं, अब तक आप नहीं, हो सकता है उसे उसकी सामर्थ में नहीं जानते होंगे और महान कार्यों के बारे में नहीं जानते होंगे जो पुराने समय के मसीही करते थे, लेकिन आप सीधे इसमें आ रहे हैं, आप सीधे राजा के राजमार्ग के ऊपर आ रहे हैं। ना केवल देखते रहें और जितना हो सके केवल आगे की ओर बढ़ते रहें। दौड़ो दौड़ो, जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ो, किसी बात के लिए ना रुकें, बस आगे बढ़ते रहें। जैसे वो बेचारी बूढ़ी बहन स्नेलिंग अक्सर कहा करती थी, मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मैं बस वहाँ पहुँच गया हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मैं बस वहाँ पहुँच गया हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और आप बस बैठ नहीं सकते। बेचारी बूढ़ी प्राण, वो आज वहाँ पर है। तो ठीक है, अब और वहाँ सिंहासन थे और वहाँ पर वहाँ 24 आसन थे। अब ये कितने होंगे? 4 और 20, 24। तो ठीक है, 24 आसनों और आसन पर, आसनों पर मैंने 24 प्राचीनों को देखा, एक आसन पर एक, श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। अब 24 प्राचीन, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वे दूत के जैसे जीव नहीं थे। दूत सम्मिलित नहीं होते हैं, स्वर्गीय जीव मुकुट और सिंहासन के साथ सम्मिलित नहीं होते हैं। देखो, वे कभी भी सम्मिलित नहीं हुए हैं, वे तो दूत हैं, उन्होंने कभी भी जय प्राप्त नहीं की। यदि आप थोड़ी देर बाद ध्यान देंगे, जो गीत उन्होंने गाए और इत्यादि, इसने साबित किया कि वे सम्मिलित नहीं थे। देखा, उन्होंने छुटकारे का गीत गाया, इसलिए दूतों को छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। देखा, तो ठीक है, लेकिन वे छुड़ाए हुए मनुष्य थे। मैं नहीं, आप लोग, मेरे पास इसे लेने का समय नहीं होगा, लेकिन आप जो लोग लिख रहे हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि वे छुड़ाए गए पुरुष थे, तो मत्ती 19:28 को लें। तो ठीक है, 19:28 मत्ती, प्रकाशित वाक्य 3:21, उसके बाद उन्हें लिख लें, प्रकाशित वाक्य 20:4, प्रकाशित वाक्य 2:10, 1 Peter 5:2-4, पहला पत्रस 5:2-4, दूसरा तिमुथियुस 4:8,
इससे आप जान जाएंगे कि वे छुड़ाए हुए हैं। मैं आज सुबह इसमें होकर जाना चाहता हूँ, आप देखें, और आप इसे हफ्तों तक अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। आप देखना, वे ना ही दूध के समान जीव थे, वे स्वर्गीय जीव नहीं थे, वे छुड़ाए हुए पुरुष थे। समझे, आप उनके कपड़ों पर विचार कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने थे। आप उनकी स्थिति पर विचार कर सकते हैं कि उनके पास क्या था। आप उन गीतों पर विचार करें जो उन्होंने गाए थे, और जान जाएंगे कि वे दूध के समान जीव नहीं थे। मैं इस बात पर आने से घृणा करता हूँ, लेकिन आइए एक और वचन को पढ़ें। आप क्या पढ़ेंगे? तो ठीक है, आइए हम दानियल 7 पर वापस जाएं, बस एक क्षण के लिए, यहाँ वापस दानियल 7 के लिए, और यहाँ केवल एक वचन को पढ़ें। मैं चाहता हूँ तो यह आपकी सहायता करेगा बहुत कुछ आज सुबह के शेष संदेश में। मुझे यकीन है यह आपको बहुत बेहतर महसूस कराएगा। इसे आपके पढ़ने और इसे देखने के बाद, देखो दानियल का 7वां अध्याय क्या है, और आइए अब आरंभ करते हैं। दानियल 7, आइए 9वां पद लेंगे। अब इन बातों को ध्यान से सुनिए। और मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हीम सा उजला, और उसके सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे, उसका सिंहासन जैसे अग्नि में धधकती हुई आग। आप फिर से देखते हैं, वापस उसी मरकत रंग की आग, और उसके पहिए जलती हुई आग से देख पड़ते थे, और उस प्राचीन के सम्मुख से एक आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग यहाँ आपके छुड़ाए हुए आते हैं, उसके सामने हाजिर थे। और फिर न्यायी बैठ गए, और पुस्तकें बहुवचन है, खोली गई थी। अब ध्यान दें, न्यायी बैठ गए, देखा। अब देखो, दानियल जब उसने न्याय पर सिंहासनों को देखा तो वे खाली थे। उसने देखा कि सिंहासन नीचे उतरे हुए हैं, स्वर्ग से नीचे उतरे हुए, जो प्राचीन समय स्वर्ग से नीचे उतर आया। लेकिन जब यूहन्ना ने इसे देखा तो सिंहासन पर पहले से ही यीशु बैठा हुआ था, और चेले और धार्मिक प्राचीन पिता छुड़ाए हुए के लिए सिंहासन पहले ही भर चुके थे। समझे, दानियल ने इसे मसीह के समय से 500 वर्ष पहले देखा था, और फिर मसीह के बाद 2500 वर्ष होते हैं, और यूहन्ना उस युग में रह रहा था जो आने वाला था, और उसने ये सब होते हुए देखा था। कहाँ? दानियल ने इसे नहीं देखा, समझे, उसने तभी प्राचीन काल को आते देखा है, उसने उसे आते देखा। लेकिन जब यूहन्ना ने उसे देखा तो सिंहासन भरा हुआ था। देखो, सिंहासन प्राचीन काल के साथ नीचे उतारा गया था, और न्यायी बैठ गए। लेकिन जब यूहन्ना ने उसे देखा, यूहन्ना के समय तक वे प्राचीन चुने नहीं गए थे, मेरा मतलब दानियल के समय तक, लेकिन वे अंत समय में पहले से ही छुड़ाए गए थे। ओह प्रभु, ओह कैसा नहीं है, क्या यह अद्भुत नहीं है? सो दानियल 7, वो दानियल ने क्या किया? उसने न्याय को पहले से ही देख लिया, देखा कि रखे हुए सिंहासन खाली थे। देखो, उन्हें खाली होना चाहिए था जब यूहन्ना अपने समय में कलीसिया के रैप्चर के बाद उन सिंहासन को छुटकारा पाए हुए प्राचीनों के द्वारा भरा गया था। एक प्राचीन का क्या मतलब होता है? यदि आप प्राचीन शब्द को लेते हैं, मैंने लगभग ये सभी परिभाषाओं को यहाँ लिखकर रखा है, मैं बस छोड़कर आगे जा रहा हूँ। प्राचीन का अर्थ होता है एक शहर का प्रधान, या एक गोत्र का प्रधान, एक प्राचीन कोई तो चीज का प्रधान। जैसे मैं होता, भाई नेविल अभी इस कलीसिया के एक प्राचीन है, वो क्या है? वो इस स्थानीय देह के प्रधान है, समझे, और नगर का महापौर वो इस नगर का एक प्राचीन होगा। देखो, शहरों के प्राचीन, आपको याद है वहाँ पहले बाइबल के समय में शहर के प्राचीन होते थे। प्राचीन का अर्थ होता है एक शहर का प्रधान, या एक गोत्र का प्रधान। अब वे कितने थे? 24 प्राचीन थे, क्या ये सही है? अब ओह प्रभु, ये कौन थे? 12 प्रेरित और इज़राइल के 12 गोत्र, 12 धार्मिक प्राचीन पिता। वो अब हम इसे नीचे ले लेंगे जब तक हम दूसरे विषयों में नहीं आते हैं, और इसे सही होने के लिए साबित करते हैं। तो आप, मुझे खुशी है कि आप इसे अभी लिख रहे हैं। देखा, धार्मिक प्राचीन पिता और इज़राइल के 12 गोत्र। अब ध्यान दें,
यीशु ने यह कहा। पतरस ने एक दिन पूछा, हमें क्या मिलेगा? हमने पिता को छोड़ दिया है, माता, पति, पत्नी, बच्चे, बाकी का सब कुछ, हम हर एक चीज छोड़कर आए हैं। पतरस ने कहा, हमने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है, हमने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, हमने अपने माता पिता को, अपने घरों और जमीनों को छोड़ दिया है, जिससे कि हम तुम्हारे पीछे चले। उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। वहाँ आप हो, यही छुड़ाए हुए हैं, छुड़ाए हुए प्राचीन। दाऊद की ओर देखो, देखो मसीह को चित्रित कर रहा है, समझे? जब दाऊद सामर्थ में आ रहा था, सबसे पहली बात, सामर्थ में आने से पहले उसके पास एक भयानक समय था, तो भी उस पर अभिषेक था। जी हाँ, उस पर वो अभिषेक था, और बहुत से लोगों ने सोचा वो बस एक छोटा स्वधर्म त्यागी था, एक छोटा सा लड़का जो अलग ही था, कुछ नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ कुछ लोग जानते थे कि वो राजा होने जा रहा था, वे उसके साथ ही बने रहे। भाई, मेरा मतलब है कि आप उन्हें उससे दूर नहीं कर सकते थे जैसे वे आगे चलते रहे। एक दिन वो वहाँ पहाड़ पर खड़ा हुआ था और नीचे देखा और उसके अपने छोटे प्रिय शहर को शत्रु से घिरा हुआ देखा, और वो वहीं खड़ा रहा और उसने याद किया कि जब वो छोटा लड़का था तो वो भेड़ों को वहाँ से लेकर जाता था और उन्हें जल पिलाता था। ये वास्तविक जल था। यहाँ पर ज्यादा समय नहीं हुआ, हमने इसके बारे में बताया है, वो जीवन का जल, और वहाँ वो है। सोचता हूँ मुझे उसमें से पीना है। और उसकी छोटी से छोटी इच्छा किसी भी पुरुष के लिए एक आदेश था। भाई, उनमें से दो पुरुषों ने अपनी तलवारों को पकड़ा और 15 मील होते हुए फिलिस्तीनियों से लड़े। उन्हें दाएं से बाएं काटते चले गए और उसके लिए उस कुएं से जल को उसके पीने के लिए ला सकें। वे जानते थे कि वो सामर्थ्य में आने वाला है। जी हाँ श्रीमान, एक समय उनमें से एक उसे बचाने के लिए एक गड्ढे में कूद गया और उसने अकेले ही एक सिंह को मार डाला। वे योद्धा थे, और जब वो सामर्थ में आया तो आप जानते हैं उसने क्या किया। उसने उनमें से प्रत्येक को किसी न किसी एक नगर का अधिकारी बनाया। वहाँ मसीह को देखा, जो जय पाए वो एक नगर पर प्रभुता करेगा। जय पाने वाले, आज जब हम देखते हैं कि वो सामर्थ में आ रहा है, तो मसीह इस संसार में शासन करेगा। जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी को अवश्य ही पराजित होना है। प्रत्येक राष्ट्र को अवश्य ही पराजित होना है। इस संसार के राज्य हमारे परमेश्वर और उसके मसीह के राज्य बन चुके हैं, और वो राज्य करेगा और उन पर अधिकार करेगा। ये सही है। हम जानते हैं कि वह सामर्थ्य में आ रहा है, इसलिए उसकी छोटी से छोटी इच्छा हमारे लिए एक आदेश है। वो चाहता है कि मैं उसका प्रतिनिधित्व एक छोटे से टिम्बकटू में करूं, जहां पर 50 सेंट पैसा नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, या कुछ गरीब लोगों का एक झुंड रहता है। यही एक इच्छा है। आमीन। आपको बहुतों को लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे बताएं कि वो चाहता है कि जाऊं। आमीन। बस इतना ही। यदि वो चाहता है कि मैं अलग करूं, अलग ही काम करूं, इन बहनों और इत्यादि की तरह, यदि वो चाहता है कि मैं एक विशेष काम को करूं, परमेश्वर धन्य हो, तो इसे करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। वहाँ आप हैं, हम जानते हैं वो सामर्थ्य में आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार चाहे कुछ भी कहे। यदि मुझे हर एक बोझ को एक तरफ रखना पड़े और पाप निसंदेह मुझे घेर लेता है, तो मैं उस दौर में सब्र से दौड़ूं जो मेरे सामने है। मैं हमारे विश्वास के रचयिता और समाप्त करने वाले यीशु की ओर देखूं, सामर्थ्य में आ रहा है। वो प्राचीन जन, 24 प्राचीन, तो ठीक है, 12 प्रकाशित वाक्य में हम इसे पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लगभग 21वें अध्याय में हम पाते हैं कि यरूशलेम शहर की 12 बुनियादें थी, क्या सही है? और उसके 12 फाटक थे, जो हर एक और 3 फाटक थे, 3 चौके 12 होते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे जंगल में वो आराधनालय स्थापित किया गया था, क्योंकि यूहन्ना ने ठीक ऐसा ही कहा और ठीक उसी बात को देखा जो मूसा ने वहाँ देखा जब वो वहाँ पर था, उसी बात को पौलुस ने देखा था। और अब हम देखते हैं कि वे 12 बुनियाद प्रेरितों के नाम पर थी, और उन 12 फाटकों के फाटक पर एक एक गोत्र का नाम था। हम इसे किस तरह से देखते हैं, और उन 12 प्राचीनों को, 12 गोत्रों को
बारह प्रेरित, बारह बुनियाद, बारह फाटकों को देखते हैं। ओह प्रभु, परमेश्वर के उन अंकों को लें और आप इसे कहीं भी चूक नहीं कर सकते। वो हर बार हर जगह सीधे एक दूसरे से आ मिलेंगे। यही कारण है आप देखें हमारे पास ये छह दिन हैं जिसमें संसार ने परिश्रम किया है और अब हम इस सातवें दिन के नजदीक आ रहे हैं। पहले 2000 वर्ष परमेश्वर ने जल को, संसार को जल से नष्ट किया। दूसरे 2000 वर्ष मसीह आया, यह 1961 है, ठीक द्वार पर बस थोड़ा सा ही समय है। और देखो यीशु ने कहा अब यह पूरी तरह से नहीं चलेगा। उसने कहा क्योंकि मुझे काम को घटाना होगा, यदि मैं नहीं करता हूँ तो परमाणु बम सारे देह को नष्ट कर देंगे, क्योंकि चुने हुए की खातिर मैं धार्मिकता में काम को घटा दूंगा, इसे काट दूंगा, समय के हिस्से को। देखो फिर हजार वर्ष, शताब्दी, वो महादिन, जबकि कलीसिया ने 6000 वर्षों तक पाप के विरुद्ध काम किया है और सातवां हजार वर्ष सहशताब्दी है। जैसे परमेश्वर ने 6000 वर्ष संसार को बनाने के लिए लगाए और सातवें हजार को उसने अपने सब कामों से विश्राम किया, और कलीसिया 6000 वर्ष तक पाप के विरुद्ध काम करती है और सातवें हजार में कलीसिया विश्राम करती है। सफेद वस्त्र जो प्राचीनों पर था वो संतों की धार्मिकता है। सफेद का अर्थ है धार्मिकता, और क्योंकि वे वस्त्र पहने हुए थे इसने दिखाया कि वे याजक या न्यायी थे। सफेद वस्त्र पहने हुए याजक, न्यायी, भविष्यवक्ता इत्यादि थे। देखो वे क्या थे, वे सफेद वस्त्र पहने हुए 24 प्राचीन थे। वहाँ 24 प्राचीन होंगे, इसराइल के 12 गोत्रों के लिए उनमें से 12 होंगे, कलीसिया के लिए 12 प्रेरित, और वे उस महान राजा के आंगन में बैठे हुए थे। याद रखें वे वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, ये हैं, और यहाँ दुल्हन और मसीह उसके सिंहासन पर बैठे हैं और उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई है, वो कलीसिया। 24 प्राचीन मंदिर के 144,000 खोजे जो उसकी सेवा कर रहे थे, जहाँ जहाँ वो उठकर जाता है उसकी पत्नी उसके साथ जाती है। ओह ओह मेरे प्रभु, उस महान युग में से होते हुए जो आने वाला है, जब सारा पाप और पापों का प्रतिरूप, सारी बड़ी बढ़िया इमारतें जिन्हें लोग आज बहुत ही संजो कर रखते हैं, सारा पैसा और अभिलाषा और सारा पाप और सुंदर महिलाएं और पुरुष और जो कुछ भी वे उनके शरीर के लिए बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ तो और शैतान का एक जाल होगा जो कि उनके प्राण को अधोलोक भेजेगा, नष्ट करेगा और सड़ा देगा, और खाल के कीड़े से खा जाएंगे। और पहली बात, खाल के कीड़े वे सब जो कुछ भी वे थे, वे बस ज्वालामुखी की आग के अंदर चला जाएगा। वापस आने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय नाश के और सब ज्वालामुखी राख के। लेकिन इनमें से एक सुबह, दोस्तों, इनमें से एक सुबह जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो फिर से खिल उठेगी, इसकी सफेद तीन पत्तियां और वो गुलाब की निकलती सुगंध जो खिलती कलियों के साथ मिश्रित हो जाएगी, जो जीवन के पेड़ की है। और मसीह किसी सुबह वापस लौट आएगा जब बड़े बड़े पक्षी पिंडु पेड़ों पर बैठेंगे और कुकू करेंगे, और न तो कोई मृत्यु होगी और न ही कोई दुख होगा। मसीह और उसके छुड़ाए हुए धरती पर लौट आएंगे, बूढ़े की नाई नहीं बल्कि हमेशा के लिए नौजवान अमरहार। हम उसकी समानता में खड़े रहेंगे, सूर्य और तारे जिन्हें हम चमकाएंगे। My Lord has prepared for his own, where all the redeemed of all ages will sing glory around the white throne. Sometimes I get homesick for heaven and the glory of, behold, what a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. How I long to see. मैं उसे देखने के लिए कितना तरस रहा हूँ। ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यूहन्ना ने पथमुस के टापू पर इसे देखा, अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के रूप में उसे उतरते हुए देखा। इसकी महिमा को मैं किसी दिन देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ और उसके चेहरे की ओर देखना चाहता हूँ। वहाँ युगानुयुग के लिए उसके बचाए जाने के अनुग्रह को गाना, महिमा के रास्तों पर
मुझे अपनी आवाज को उठाने दो, सारे अतीत की चिंता, अंत में घर, हमेशा आनंदित होने के लिए, बर्फ में थोड़ा फिसलना और खिसकना, थोड़ी गर्मी और दिन के कठिन परिश्रम। मेरी इच्छा है मेरी पत्नी और माबेल सामने आते और मेरे लिए उस गीत को गाते, यदि मैं कर सकता। मार्ग के कठिन परिश्रम कुछ भी नहीं दिखाई देंगे जब मैं रास्ते के अंत में आऊंगा। ये सही है। मैं उस रात को याद करता हूँ जब मैं कलीसिया से निकलकर सुसमाचारक का काम करने के लिए निकला था, जब आप सभी रो रहे थे। मुश्किल से उनमें से कोई बचा है, शायद आप में से कुछ ही यहाँ पर हैं, बहन और भाई स्पेंसर, और हो सकता है कुछ एक पुराने समय के लोग चले गए हैं जब वे यहाँ पर रोए थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने कहा तुम्हें अवश्य ही जाना होगा। और मुझे अपनी पहली सभा याद है जब मैं महीनों के लिए चला गया था। मेडा वहाँ जोन्सबोरो के लिए आई थी, बेकी एक छोटी सी बच्ची ही थी। पुरानी कॉटन बेल्ट ट्रेन में वहाँ पर आए, उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए कुछ दिन लगे, और जब वो उस रात को वो आई तो मैं वहीं पर खड़ा हुआ था। हमने सभागार में जाने की कोशिश की जो तीन विभाग दूर था। पुलिस कर्मी लोग रास्तों को इस तरह से रोके हुए थे, यहाँ तक रास्ते भी खचाखच भरे हुए थे। मुझे रास्तों में से होकर जाना था और उस स्थान में जाने के लिए घुमावदार मार्ग से होकर आगे बढ़ना था। मेडा ने कहा, क्या वे आपका प्रचार सुनने आए थे बिल? मैंने कहा नहीं। फिर हमने गाया, They come from the east and west, they come from the land afar, to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon, our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. आमीन। ओह, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या ये आपके लिए दुख और गहरा क्लेश लाएगा, या ये आपके लिए आनंद को लाएगा? जब हमारा प्रभु महिमा में आता है तो हम उससे ऊपर हवा में मिलेंगे। आइए उन विचारों को मन में लेकर हमारे सिरों को झुकाएं। प्रभु ने चाहा तो मैं इस सभा को किसी और समय समाप्त करूंगा। हमारे स्वर्गीय पिता, ओह, वे पूर्व और पश्चिम से आएंगे, वे दूर दूर के देश से आएंगे। मैं उस महान रैप्चर के बारे में सोच रहा हूँ, जिन लोगों को मैंने अफ्रीका, भारत और दुनिया भर में प्रचार किया है, किस तरह से मैं उनके चेहरों को फिर से देखूंगा। उनमें से बहुत से रो रहे थे हवाई जहाज में जाने तक, और वे यहाँ से वहाँ चार दीवारी पर झुके हुए थे और चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि जब वे एक बार पौलुस के साथ बाहर गए, उन्होंने घुटने टेके और उन्होंने प्रार्थना की। उसने कहा, मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी नहीं, आप में से बहुत से लोग अब मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, लेकिन वे पूरब और पश्चिम से आएंगे, वे दूर दूर देशों से आएंगे हमारे राजा के साथ भोज करने के लिए, उसके अतिथि के रूप में भोजन करने के लिए। कितने धन्य हैं ये यात्री उसके पवित्र चेहरे को निहारते हुए उस मरकत रंग की महिमा में, जो दिव्य प्रकाश से जगमगाता है, न केवल एक दिए का प्रकाश या एक मोमबत्ती का प्रकाश, लेकिन दिव्य प्रकाश, जो दिव्य प्रकाश से जगमगाता है, उसके अनुग्रह के धन्य भागीदार, उसके मुकुट में रत्नों के नाई चमकने के लिए। हे परमेश्वर, जब कोयले के अंगारे ने नबी को छू लिया था और उसे उतना शुद्ध बना रहा है जितना शुद्ध हो सकता है, जब परमेश्वर की आवाज ने कहा, कौन हमारे लिए जाएगा, तब उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ओह, आज सुबह दूत को भेजे उन करूबों को जिनके छह पंख हैं, जैसे यशाया ने उन्हें देखा, भवन में से उड़ते हुए, पुकारते हुए, पवित्र पवित्र पवित्र
प्रभु के लिए। और उस नौजवान भविष्यवक्ता ने कहा, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ और अशुद्ध लोगों के बीच में से हूँ, और मेरी आंखों ने प्रभु की महिमा को देखा है। मंदिर से खंभे सरक गए और एक दूत ने चिमटे को वेदी पर से लिया और कोयले के अंगार को लेकर और इसे उसके होठों पर रख दिया। कहा, मैं तुम्हारे होठों को शुद्ध करता हूँ, अब भविष्यवाणी कर मनुष्य के पुत्र। आज सुबह दूत को भेजिए प्रभु, हमारे होठों को हर प्रकार की दुष्टता से शुद्ध करें, हमारे हृदय को साफ करें और अंदर आए प्रभु, स्वयं की इच्छा को तोड़ डालें, उस मेरी इच्छा को तेरी में तेरी इच्छा हो जाए प्रभु। ओ तेरी इच्छा मुझ में होगी हे परमेश्वर, और मैं और मेरी कलीसिया और मेरे लोग आपके होने दो। हे प्रभु, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। और जैसा कि कवि ने आगे कहा, पिता लाखों अब पाप में लज्जा में मर रहे हैं, वहाँ अफ्रीका में, आगे भारत में, दुनिया भर में, हजारों एक घड़ी में, और आपको जाने बिना आपसे मिल रहे हैं। अब लाखों पाप और लज्जा में मर रहे हैं, अब भी परमेश्वर इसे सोचकर मेरा प्राण टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उनकी दुख भरी और पीड़ादायक पुकार को सुनकर, हे भाई, फुर्ती से उनके आश्रय में जा, तुरंत उत्तर दे, स्वामी मैं यहाँ पर हूँ। इसे प्रदान करें प्रभु, इसे फिर से प्रदान करें, मैंने हर तरह की गलतियाँ की हैं, पिता इस बीते वर्ष में इसे होते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे उनके लिए क्षमा करें, और इस नए वर्ष में प्रभु मेरा नए सिरे से अभिषेक कीजिए, मैं उन लाखों लोगों के पास जाऊँ जो पाप और लज्जा में यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं, मर रहे हैं, उन्हें आपके सत्य के इस महान प्रकाशन के पास लेकर आऊं, उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए लाते हुए कि उस दिन पर वे पूरब और पश्चिम से आ सकें आपके मुकुट में रत्नों की नाई चमकने के लिए। मेरी सहायता करें प्रभु कि वहां जाकर और खोज करूं और उन्हें जमीन से बाहर खोद कर निकालूं, धरती का कीचड़, वो कीचड़ और गंदगी जिसमें कि वे जी रहे हैं, और वे एक पवित्र परमेश्वर को देखने पाएं जो उन्हें साफ करता है और मसीह की तरह जीने को लगाता है, पवित्र करता है और आपके सामने शुद्ध होता है। बुराई से मुंह मोड़ते हुए सभी प्रकार के सांसारिक सुख विलास से और एक जीवित परमेश्वर की ओर फिरते हुए और उन्हें उस महान दिन के लिए आपके राज्य का प्रतिनिधि बनाते हुए इस छोटी सी कलीसिया को आज सुबह पवित्र करें प्रभु, आपकी आत्मा से यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र कीजिए और पवित्र आत्मा उनके हृदय में आ जाए, हम में से प्रत्येक जन के लिए उनमें आत्मा को तरोताजा करें, जिन्होंने पहले से ही उनकी स्वयं की इच्छा से उनके हृदयों को खोल दिया है, उनकी स्वयं की इच्छा को इनकार कर चुके हैं और आपकी इच्छा को जान चुके हैं। वे जो छोटे बच्चे हैं प्रभु, उनमें से बहुत से बस छोटे से ही बालक ही हैं। आप उन्हें अपनी बाहों में किस तरह से पालन पोषण करते हैं, किस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे को देखभाल करती है, उनकी आंखों से आंसू को पोंछती है और उन्हें विशेष चीजों को देती है क्योंकि वो उनसे प्रेम करती है। इसी प्रकार से आप अपने नए जन्मे बालकों से प्रेम करते हैं प्रभु। वे अभी तक चल नहीं सकते, वे बात भी नहीं कर सकते हैं, केवल एक चीज है जो वे कर सकते हैं, वो है रोना और माँ की ओर देखना। हे परमेश्वर, उन्हें अपनी बाहों में ले लीजिए कोमलता से, छोटे मेमनों की तरह, और जब तक वे परिपक्वता में न आ जाएं, तब तक उनका नेतृत्व करें ताकि वे चल सकें, तब उनकी अगुवाई करें प्रभु, सेवा के मार्गों में से होते हुए इसे प्रदान करें। हमें हमारे पापों के लिए क्षमा करें जैसा कि हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें लेकिन बुराई से बचाएं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के द्वारा राज्य और सामर्थ्य और महिमा युगानुयुग आपकी ही है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आज सुबह आपके लिए कुछ तो किया है ताकि आप नए वर्ष का आरंभ इस एक चीज से कर सकें कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और किसी दिन आप उसे देखना चाहते हैं और उससे प्रेम करना चाहते हैं और हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहते हैं। यही मेरी इच्छा है कि आप में से कोई भी ना खो जाए, कि आप में से हर एक जन बचाया जाए और पवित्र आत्मा से भर दिया जाए और उसके आगमन के दिन तक संरक्षित किया जाए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि यह बहुत ही नजदीक है। अब मैं सभा को वापस भाई नेविल को सौंपता हूँ।